YouTube के माध्यम से भी कई सारे दर्शक लोग देख रहे हैं, तो YouTube माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हीं का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होगा, तो आगंतुक महानुभाव अतिथि महोदयों से मैं निवेदन करता है कि वो मंच पर उपस्थित हो गए। हमारे बीच में श्रद्धेय श्री अर्जुन बास्तोला, संहिता शास्त्री, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल से उपस्थित है। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर उपस्थित हो जाए दीप प्रज्वलन के लिए। उसी प्रकार हमारे बीच आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर वेदवीर आर्या, जॉइंट सेक्रेटरी रक्षा मंत्रालय से उपस्थित है। सर, आप भी मंच पर उपस्थित हो जाए। और हमारे बीच में पवन श्रीवास्तव जी, मुख्य संरक्षक शाश्वत हिंदू से हैं। आपसे भी आग्रह है कि मंच पर उपस्थित हो जाए। भारत विद्या परियोजना के विभाग अध्यक्ष आदरणीय ए बी शुक्ला जी, आप मंच पर उपस्थित हैं। महानुभावों से आग्रह है कि वो दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम भद्रं कर्णे भश्रणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप सभी से निवेदन है कि आप आसन अलंकृत करें। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण से होगा। मेरे सहयोगी डॉक्टर मधुसूदन पाई जी से निवेदन है कि वो मेरे साथ आए। उसको कर लेता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्यवतो। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। हमारी परंपरा रही कि कार्यक्रम में आगंतुक अतिथि महोदयों का सादर सम्मान करना, तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर उपस्थित श्रीमान पवन श्रीवास्तव जी, मुख्य संरक्षक शाश्वत हिंदू जी से निवेदन करता हूँ कि आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय श्री अर्जुन बास्तोला जी, संहिता शास्त्री जी का शालवा से सम्मानित करें।
धन्यवाद। मैं हमारे भारत विद्याना प्रयोजन के विभाग अध्यक्ष श्री आर्यभूषण शुक्ला जी से निवेदन करता हूँ कि आज के मुख्य वक्ता श्रीमान वेदवीर आर्य ज्वाइंट सेक्रेटरी रक्षा मंत्रालय जी को सम्मान करें। एटर्नल हिंदू, शाश्वत हिंदू के द्वारा इस वर्ष का नया कैलेंडर का निर्माण किया गया है। मैं संजय शर्मा जी, कन्वीनर एटर्नल हिंदू जी से निवेदन करता हूँ कि वो आकर के नया कैलेंडर हमारे विभाग अध्यक्ष आर्यभूषण शुक्ला जी को प्रदान करें। एक मिनट, आप हाथ में पकड़े, सभी एक फोटो खींच लेते। सभी से अनुरोध है कि एक बार धन्यवाद सर सभी का। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सेमिनार का प्रास्ताविक संभाषण के लिए मैं विभाग अध्यक्ष श्री आदरणीय, हाँ, तो इस कार्यक्रम में जो हमारे बीच उपस्थित श्रद्धेय श्री अर्जुन बास्तोला जी उपस्थित हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। श्री बास्तोला जी, सदयति सिन्दूरवदना देवयत्पादपङ्कजस्मरणं बासरमणिरिवं तं साम्राशिं नाशयति विघ्नानां शुक्लाम्बरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये चतुर्वदनो ब्रह्मा दीवाहुरुपरो हरिः आभालोचनशम्भुर् भगवान् बादरायण चंद्रार्काग्निविलोचनम् स्मृतिमुखिं पद्मदान्तं स्थितं मुद्रा पातिमृगाश्च सूत्रविलसत् पाणिं हिमांशुं प्रभुं कोटिन्दूप्रगतसुधाप्लुतनम् हाराद्यभूसोदरं कान्तां विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावयतु। आदित्यादि नवग्रह शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगास्तथयस्तद्देवतास्तद्गणा मासाब्दा ऋतुवस्तथैव दिवसा संध्या तथा रात्रय सर्वे स्थावरा जगमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम, आज जिस विषय में मुझे कुछ बोलने का अवसर जो प्राप्त हुआ वो सूर्य सिद्धांत के बारे में है। ये ज्योतिष शास्त्र में हमारे विंध्याचल से उत्तर भाग में सारे पंचांग जो निर्माण होते हैं वो सूर्य सिद्धांत के आधार पर होते हैं, और कुछ भारत के उत्तर पश्चिम भाग में कुछ दीर्घ सिद्धांत का भी प्रचलन है। दीर्घ सिद्धांत जिसको बोलते हैं उसका भी प्रचलन है, लेकिन बहुतेरे भाग में हम सूर्य सिद्धांत को ही मानते हैं। आसाम बंगाल से लेकर के पूरा उत्तर भारत जो है सूर्य सिद्धांत को मानता है, और काशी के जितने भी पंचांग प्रकाशित होते हैं वो सूर्य सिद्धांत में ही आधारित होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारे सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म शास्त्र वेद पुराण सबको ही पंचांग निर्देशित करता है, कब यज्ञ करना है, कब दीपावली मनानी है, कब होली मनानी है, कब दशहरा मनाना है, इत्यावत सारे कर्म मतलब पंचांग से निर्दिष्ट होते हैं। और इस पंचांग का निर्माण जो है इसका मूल आधार सूर्य सिद्धांत है।
सूर्य सिद्धांत की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। वहां पर एक सूत्र है, उसका नाम है सोमेनादित्यो बलिना। सोमेनादित्यो बलिना एक सूत्र है ऋग्वेद में, जिससे कि ये सूर्य सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। उसी को महर्षि लगन ने, फिर जो काल का ज्ञान है, काल की गणना का ज्ञान, वहाँ उन्होंने बोला प्रणम्यम सिरसा कालम बाद्यम सरस्वतीम काल ज्ञानम प्रवच्छामी लगदस्य महात्मना। समय का ज्ञान जो है सूर्य सिद्धांत से ही हुआ। उस समय जो उन्होंने ये ग्रहों की गति और ग्रहों का उदय अस्त, ग्रहों का वक्र मार्ग, ग्रहों की बाल युवा और वृद्धावस्था, ये सब शंकु बोल के एक लकड़ी खड़ा कर दिया जाता था, शंकु, उसको नाप के फिर सारे गणना कर दिया जाता था, जिसको शंकु साधन बोलते थे। वो सबसे बड़ा साधन क्या था उस समय में, एक डंडे को खड़ा कर देते थे, सूर्य की छाया के आधार पे सारी गणना निकाली जाती थी, जिसको शंकु साधन कहा जाता था। और ज्योतिष शास्त्र का मेन, जिसको मेरुदंड कहते हैं, वो शंकु साधन था। और सूर्य सिद्धांत बोले तो वो शंकु साधन, जो सूर्य की किरण और उसकी छाया जिसको नापी जाती थी, उसके आधार पर ही सूर्य सिद्धांत का शुरुआत विकास वैसे हुआ है। बाद में बहुत सारे आर्यभट्ट और ये बरामिहिर वगैरह आए, उन्होंने अपनी गणना की और गणना का एक आधार बनाया। और जो वेद का जो वैदिक गणपति गणित था, उसको आधार मान करके फिर उन लोगों ने अपने गणित के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उससे सूर्य सिद्धांत का एक निर्माण हुआ। आज उसी सूर्य सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष के पंचांग का निर्माण होता है। और हमारा जो है सनातन हिंदू धर्म संस्कृति का, जैसे ये बोलते ना, ये आपके यहाँ ये भारतीय दंड संहिता पिनल कोड, उसी तरह से वो भी एक कानून है, पंचांग भी एक कानून है, जिसको मानना पड़ता है हमको, और वही सनातन संस्कृति का जड़ है, उसी को मानते हैं। और जो है ना, इनको विविधानी शास्त्रानाम विवाद तत्र केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र चंद्रार्कत्र साक्षिण बोला गया है। हर शास्त्र में विवाद है, लेकिन इसमें कहीं पर भी विवाद नहीं है। ये जिस दिन अमावस्या बोलेगा उस दिन अमावस्या होगा, जिस दिन पूर्णमासी बोलेगा पूर्णमासी होगा, जिस दिन इस क्षेत्र में ग्रहण लगेगा बोलेगा ग्रहण लगेगा, इस दिन इस ग्रह अस्त होगा बोले तो अस्त होगा, उदय होगा बोले तो उदय होगा। ये निश्चित एक, मतलब कि इसमें कोई विवाद करने की जगह नहीं। हर शास्त्र में विवाद हो सकता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। विविधानी शास्त्रानाम विवादस्तत्र केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र चंद्रार्कत्र साक्षिणो। और इसी में एक, हम जब पढ़ते थे हमारे ज़माने में, एक ये ज्योतिर्निबंध बोल के एक ग्रंथ था, उसमें थोड़ा बताया गया। क्या बताया गया कि वनम समाश्रिता ये तो निर्ममा निष्परिग्रह अपिते परिपृष्ठाम ज्योतिषाम गतिकोविदम। जो जंगल में तपस्या करने के लिए सिर्फ अधो वस्त्र पहन के एक वृक्ष के नीचे बैठा है, उसके सामने भी कोई ज्योतिष जाएगा तो वो पूछेगा मेरे भाग्य में क्या है बता दे। सब कुछ त्याग दिया, जंगल में जाके बैठ गया वृक्ष के नीचे, नंगा बैठा है, एक अधो वस्त्र से छोड़ के कुछ नहीं उसके पास, उसके सामने भी कोई ज्योतिष जाए तो वो पूछता है कि मेरे भाग्य में क्या है बता दे। बनम समाश्रिता ये निर्ममा निष्परिग्रह अपिते परिपृष्ठाम ज्योतिषाम गतिकोविदम। तो ज्योतिष शास्त्र जो है ये वेद की आँख है, दोनों आँख है वेद के, है ना, ये आँख है। वेद को किससे देखा जा सकता, ज्योतिष से देखा जा सकता। यज्ञ कब करना है, कब अग्नि के पास कहाँ रहेगा, कब आप यज्ञ कर सकते हो कब नहीं कर सकते हो, सारा यज्ञ करने के विधान वेदों में है, लेकिन कब करना है कैसे करना है ये ज्योतिष शास्त्र बताता है। तो इसलिए वेद के आँख कहा जाता है इसको। और ऐसे मैंने अभी एक छोटा सा प्रार्थना मंत्र बोला था, जिसमें आदित्यादि नवग्रह शुभग्रह मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगा तिथे तद्देवता तद्गणा मासाब्दा ऋतुवत् तथैव दिवसा संध्या तथा रात्र सर्वेष्ठा वराजगमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम बोल के हम लोग संहिता शास्त्र लोग नित्य पाठ करते हैं। इसमें सारा ज्योतिष शास्त्र का पूरा सिद्धांत वहीं बता दिया गया है, ज्योतिष शास्त्र के जितने अंग हैं वहीं बता दिया गया है। मासाब्दा किसको बोलते हैं, एक वर्ष को मासाब्दा बोलते हैं,
तो इस तरह से सारे चीज उसमें आ जाते हैं और हमेशा समिता शास्त्र लोग नित्य अपने मंत्रोच्चारण में वेद मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उसमें हम जो अष्टमंगल का पाठ करते हैं उसमें वो भी आता है और हमें उसे नित्य उच्चारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र ही आज के दिन में, जैसे मैं क्या है कि कभी कभी नासा वालों को भी कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ, मैं उनको मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, इफेक्ट ऑफ कॉस्मिक रे, हाउ सन इज बॉर्न, हाउ अर्थ इज मूविंग, ये सब पढ़ाता हूँ मैं। ये वैदिक एस्ट्रोनॉमी है। अब इसमें कई चीज़ें ऐसी बताई गई है कि जो ग्रह अपने परिधि में घूमते हैं, ऑर्बिट्स में जो घूमते हैं ना, उसके बारे में पहले वो लोग क्या बोल रहे थे कि वो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी से घूमते हैं। जब वो लोग अभी मार्स मंगल, जो उनका मिशन मंगल गया ना मार्स, उसके बाद उनको पता चला वहाँ तो ग्रेविटी है नहीं, तो फिर भागे भागे 27 प्रोफेसर मेरे पास में 2021 सितंबर महीना में काठमांडू आए नासा के, मेरे को बुला रहे थे। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा, अभी कोरोना वरना क्या क्या तुम लोग का चक्कर है, नहीं आऊँगा मैं। तो 27 प्रोफेसर मेरे पास आ गए। तो मैंने उनको बताया, देखो किसी भी चीज़ को चलने के लिए ईंधन या शक्ति की आवश्यकता होती है, सम एनर्जी नीड। तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो इसमें बहुत सरल सा है कि जो हम शांति पाठ करते ना, उसमें हम क्या बोलते, देव शांति रंतर इच्छे गुण शांति पृथ्वी शांति बोलते ना, द्यूलोक बोले तो अबव द गैलेक्सी, जिसको लोग ब्लैक होल वगैरह क्या क्या बोलते हैं वो हम तो नहीं समझते हैं, लेकिन वो द्यूलोक बोल के हम मानते हैं। द्यूलोक का ऐसा सिद्धांत है, द्यूलोक में एक शब्द का ओमकार का उच्चारण होता है, वो ओमकार के उच्चारण की अवधि जो है 66 घड़ी, तो बोले करीबन 26 घंटा में एक ओमकार का साइकिल पूरा होता है। ओ इस तरह से एक साइकिल पूरा होने के लिए 26-26.5 घंटा लगते हैं। तो वो साउंड का जो है वो सीधा सूर्य में आता है उसका, और सूर्य से फिर सूर्य एक ट्रांसफार्मर की तरह सारे ग्रहों में उसको ट्रांसमिट कर देता है। उसी से सारी पृथ्वी सारे ग्रह उसी आधार में चलते हैं। वो साउंड के वाइब्रेशन जो है वही उनकी एनर्जी है, जिसको हम वेद ध्वनि भी कह सकते हैं, ओमकार की ध्वनि है, प्रणव की ध्वनि है, उसी से सारे ग्रह चलते हैं। ये मैंने उनको जब उन्होंने व्हाट इज द प्रूफ बोलने लगे, मैंने बोला एक तिब्बतियन का भिक्षा पात्र मंगाया, फिर मैंने वो एक जिसको सिंगिंग बोल बोलते हैं ना आजकल, जिसमें ऐसे लकड़ी घुमाने से ओम का उच्चारण करता है, वो उसको मंगाया और मैंने बोला इसमें कुछ सरसों के दाने, कुछ मूंग के दाने डाल दो और लकड़ी घुमाओ, सारे दाने चलने लगते हैं अंदर में, वो वाइब्रेशन ऑफ साउंड से वो सब मूव होने लगते हैं। इसी तरह से हमारे सारे जो ब्रह्मांड के प्लैनेट्स जितने भी हैं, इसी तरह वो ओंकार की ध्वनि से वाइब्रेट होते हैं, उनको वहाँ से एनर्जी मिलती है। ये सिद्धांत मैंने प्रतिपादित किया, तो उसके बाद नासा वाले बहुत ज़ोर से दुनिया में प्रचार करने लगे कि सूर्य से ओंकार की ध्वनि आती है, बड़े जोर शोर से प्रचार करने लगे। ये घटना 2021 सितंबर के बाद, वो अक्टूबर से शुरू किए हैं, वो उसका सिद्धांत का प्रतिपादन मैं किया हूँ। हरिओम तत्सत। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लिया, संक्षिप्त में बहुत कुछ बता दिया, इसी को मनन करिए। हरिओम तत्सत। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। उपनयतम सकन जगन मंगलालय श्रीमान दीन कर्कण नवोदित बच्चन कृष्ण काले वर्षतु परिजन्य पृथ्वी सशालिनी देशोयम सौरयतम ब्रह्मणा सन्तु निर्भया पुत्रा पुत्रिणा सौतु पौत्रण निर्धना सदना जीवन्तु सर्वन्तु सदा सतम एत्रैव गंगा यमुना तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से पधारे हुए समिता शास्त्री जी ने संक्षेप में अपने विस्तार और सूर्य सिद्धांत का हमें परिचय करवाया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत विद्या प्रयोजना विभाग के विभाग अध्यक्ष आदरणीय आर्यभूषण शुक्ला जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस सेमिनार का इंट्रोडक्शन जो परिचयात्मक प्रस्तावना रखे।
वागार्थ भी संप्रक्त वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे भवानी पार्वती परमेश्वरो। अभी आपने भस्तुला जी के आशीर्वचन सुने और उनके वचनों के बाद आशीर्वाद के बाद मेरे कुछ कहने रह नहीं जाता है। अब केवल आयु में से छोटे डॉक्टर वेद विरार्य उनका भाषण सुनेंगे। उसके पहले सब्जेक्ट को सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं कुछ बातें कहूँगा। वस्तुतः कहा जाए तो एक दुखद क्षण है कि आज हमें सूर्य सिद्धांत की चर्चा करने के लिए एक सेमिनार आयोजित करना पड़ रहा है। जो चीज़ स्वयं सिद्ध है उसको सिद्ध करना पड़ रहा है। जो एक सिद्धांत है उन लोगों ने जिनको 17वीं शताब्दी इसका बोध नहीं था कि पृथ्वी घूम रही है या सूर्य घूम रहा है, उन्होंने कुछ बातें लिख दी। आज हम बातों के पीछे चर्चा कर रहे हैं। मुझे एक शेर याद आता है, उस समय लिखने वाले भी वही थे, बताने वाले भी वही थे, अप्रूव करने वाले भी थे। तो उन्होंने कहा इस शेर में तीन शब्द आते हैं, हाकिम, शाहिद और कातिल। कातिल जिसने कत्ल लिया हो, शाहिद जिसकी गवाही होनी हो और हाकिम जिसने फैसला किया हो। तो कहते शहर तुम्हारा, कातिल तुम, शाहिद तुम, हाकिम तुम, मुझे यकीन है मेरा ही कसूर निकलेगा। तो वही हुआ कुछ हमारे साथ, जो गलत करने वाले थे उन्होंने फैसला कर दिया और बात चल पड़ी। लेकिन कुछ बातें इतनी स्पष्ट हैं जिनसे वो भी बच नहीं पाए। पहली बात तो हमारे यहाँ पर जब वो कह रहे थे पृथ्वी चपटी है तो उस विषय का नाम ही हमारे भूगोल है। यानी हम अनादिकाल जानते रहे पृथ्वी गोल है, हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, नाम ही भूगोल है। जबकि वो लगातार कहते रहे पृथ्वी चपटी है। दूसरी बात आप देखेंगे उन्होंने दिन में 24 घंटे बनाए, एक घंटे का मिनट 60 ही हैं और एक मिनट के 60 सेकंड हैं। अब इस 60 संख्या कैसी है जिससे पीछा नहीं छुड़ा पाए। वस्तुतः प्रत्येक 5 वर्ष के बाद सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थिति में आ जाते हैं, जिसको हमारे भाई वेदवीर कहते हैं कि कभी 5 वर्ष का भी एक युग हुआ करता था। तो उसका कारण ही था कि जब जब सूर्य चंद्रमा लौट कर उसी बिंदु पर आते थे उसको रेफरेंस मानते हुए 5-5 वर्ष के युग बनाए गए। और एक ग्रहों में ग्रह बृहस्पति, इसको गुरु भी कहते हैं और जीव भी कहते हैं। हमारा भी प्रतीक है, हमारे गुरुत्व का भी प्रतीक है, विद्या का भी प्रतीक है। वो 12 वर्ष के बाद उसी पॉइंट पर पहुँचता है। अगर 12 को 5 से मल्टीप्लाई देखें तो 60 वर्ष के बाद सूर्य चंद्रमा बृहस्पति पुनः उस एक पॉइंट पर आ जाते हैं, 12-5। तो ये 60 की वो संख्या थी कि सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का और जीव हमारा प्रतीक, नाम इसका जीव है। इनको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए एक 60 वर्ष की संख्या ली गई हमारे ऋषियों ने और लगातार तो 60 में ही हर चीज को वो चलाते चले गए। इसलिए हमारे संवत्सर 60 होते हैं, एक ही नाम आता जाएगा। जैसे अभी नल चल रहा है या शुक्र चल रहा है, दक्षिण भारत शुक्र तो हमारे यहाँ नल चल रहा है, लेकिन ये नाम 60 वर्ष चलेंगे, 60 वर्ष के बाद पुनः रिपीट होंगे वही नाम उसी श्रृंखला में। कि ऋषियों ने देख लिया कि 60 वर्ष के पश्चात पुनः स्थिति बदलती रहेंगी, जो जैसी थी वैसी ही। इसी प्रकार से उन्होंने और चीज़ देखी कि दो प्रकार की मापदंड होने चाहिए, एक जो मूर्त है एक अमूर्त है। मूर्त जिसको कि हम स्थूल शरीर से साधारण आदमी जान सकता है, और अमूर्त वो जिसको कि केवल विशुद्ध रूप से कोई योगी कोई ऋषि ही जान सकता है, साधारण आदमी को समझ न सके, उसको बोला कि अमूर्त। उसका सबसे छोटे छोटा जो नापने का प्रमाण है उसको कहते त्रुटि मापदंड। और एक त्रुटि कितना होता है, एक सेकेंड का 33,575 हिस्सा। आप सेकेंड ही तो छोटा होता है, उस सेकेंड के भी 33,575 हिस्सा होता है त्रुटि। यानी इसको हम आप नहीं नाप सकते आज समय में भी, केवल बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नापे तो नाप सकेंगे, अदरवाइज उसको नापने का कोई जरिया हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे ऋषियों ने त्रुटि में बात की, दैट मीन्स
उस स्टेज पर आज से कम 5-6 हजार वर्ष पूर्व हमारे ऋषि इतनी सूक्ष्म गणना कर सकते समझ सकते थे, और उसी प्रकार से उन्होंने बड़ी गणना की परांत काल। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब होगा परांत काल। और यही नहीं, जब कभी भी हमारे कोई पूजा होती है तो उस पूजा में एक बात अवश्य कही जाती है कि अब तक सृष्टि के प्रारंभ होने से इतना समय बीत गया, इतना भी और बीतने को है। आप ध्यान दिए कभी पूजा में बैठ के हैं क्या कहें, ओम विष्णु विष्णु करेगा, फिर पहली बात क्या गए, द्वितीय प्रारंभ है, सेकेंड पार्ट आ गया है, श्वेत वराह कल्पे, अब श्वेत वराह कल्प आ गया है, इतना समय गुजर चुका है सृष्टि प्रारंभ होने से। और मनवंतर, मनवंतर कितना मनवंतर चल रहा है इसकी गणना भी स्पष्ट बताई जाती है, यानी इतना समय गुजर गया है। और उन्होंने बताया कि 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 71 महायुग। इतनी सूक्ष्म गणना करने के बाद उन्होंने बताया कि यह पोषण होती है, लेकिन आज जो स्वयं सिद्ध है उसको हमें बार बार बताना पड़ता है कि ऐसा है। बात बड़ी अच्छी कही वास्तुला जी ने, संगीता शास्त्री हैं, धर्माचार्य हैं, इनका काम है कि किस प्रकार से ऋग्वेद में और बारंबार अनेक घोषणा की गई है कि सूर्य किस प्रकार से हमारा जन्मदाता है, सृष्टिकर्ता है, और उसी सूर्य के माध्यम से जितनी गणनाएं हैं वो की गई हैं। सूर्य सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, अब थोड़ा सा ये डिबेटिव रहेगा कि मैं सूर्य ने किया या पहले से था, मैं उस पर भी नहीं जाता हूँ, ये मैं वेद के लिए छोड़ रहा हूँ, इसकी गणना ये करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताना है आपको कि एक वेरी वेल स्टेब सिस्टम हमारा 5 वर्ष का, 60 वर्ष का, उसको बढ़ाते हुए युगों में, युगों चलते हुए एक और चीज सुनना बताऊँ आपको, जब 9 के 9 ग्रह दोबारा लौट के उसी बिंदु पर आते हैं, पहले मैंने कहा सूर्य चंद्रमा 5 वर्ष पे, बृहस्पति सूर्य चंद्रमा मिलकर 12 वर्ष यानी 60 वर्ष के बाद, लेकिन अगर 9 के 9 ग्रहों को जोड़ना हो आपने तो 4,32,000 वर्ष लगेंगे तब जाके वापस उसी पॉइंट पाएंगे। और इसलिए उन्होंने सूक्ष्म गणना बना ली, उसका एक युग बना दिया। और जब 2 बार ऐसा होता है तो उन्हें तो द्वापर हो गया, और 3 बार हुआ क्या त्रेता हो गया, और जब 4 बार हुआ तो चतुर्युग संपूर्ण हो गया। उन्होंने बताया ये तो सब सती हो गया, आगे बाचल हुई। इतनी सुंदर गणना, और नाट्य गणना इसके बीच का जो संधि काल है वो भी नहीं स्पष्ट बताया। तो जहां पे इतनी स्पष्ट गणना रही हो, आज हम इसकी चर्चा करनी पड़ जाए, बताना पड़ जाए कि किस प्रकार सूर्य सिद्धांत बना, हमारी क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, और लोग उसे एविडेंस क्या है उसका। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा जीसस हुए इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वो स्वीकार कर लिया जाता है। अगर जीसस वर्जिन मैरी से पैदा हुए ठीक है, लेकिन अगर पांडवों के जन्म की बात आती है तो उस पर क्वेश्चन मारे, ऐसा कैसे हुआ होगा। मैं कहीं बाहर बोल रहा था, मैंने ही बात कही कि अगर आपने इन पर कभी क्वेश्चन नहीं किया, जीसस के बर्थ पर क्वेश्चन नहीं किया, उसका एविडेंस नहीं मांगा आपने कभी और मान लिया उसको, वर्जिन मैरी से पैदा यही मान लिया आपने, तो पांडवों के जन्म के बारे में आपको संशय क्यों, कष्ट के होने का आप प्रमाण क्यों चाहते हैं। जब उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक, पूर्वी भारत से पश्चिम भारत तक चारों तरफ गोविंदा गोविंदा हो रहा है, उस स्टेज पर उसके प्रमाण मानने की क्या अवस्था आपको है। क्या लिटरेरी एविडेंस काफी नहीं है, परंतु नहीं, जो कुछ हमारे यहां था उसके लिए इनको एविडेंस चाहिए, और जो अपना है उसके लिए श्रद्धा वाली बात है। तो दिस इज वर्किंग ओनली वन वे ट्रैफिक, लेकिन इस वन वे ट्रैफिक को तोड़ने का समय आ गया है। मुझे अत्यंत हर्ष होता है बताते हुए कि वेद वीर ने बहुत सुंदर काम किया इस पर, इन्होंने केवल महाभारत की डेटिंग की है, सूर्य सिद्धांत को सामने लाया है, और इन पे काम करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने देश की कम से कम 5-6 हजार वर्ष का इतिहास
बिल्कुल सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकेंगे, बता सकेंगे लोगों को, जिन पर आज वो लोग प्रश्न उठाते हैं उनके एविडेंसेस भी हम दे सकेंगे, प्रूफ कर सकेंगे। हालांकि एविडेंसेस मिल रहे हैं और मिलते जा रहे हैं। जब तक सिनोली का एक्सप्रेशन नहीं हुआ था लोग कहते आपके घोड़े नहीं होते थे, आज वो प्रूफ हो गया। एहोले का इंस्क्रिप्शन है, बताता है कि कलयुग इतने समय गुजर गए हैं। और इसको क्यों कहा जाए, जब 17वीं शताब्दी में वो डिस्कस कर रहे थे कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है, उस समय पर हमारे यहाँ पंचांगों में सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, स्पष्ट लिखा होता था, उसमें कभी कोई वेरिएशन नहीं आया। वही पंचांग आज भी चल रहे हैं, जो आज से 2000 वर्ष पूर्व बताते थे ये सूर्य ग्रहण की तिथि आ गई, आज चंद्र ग्रहण होगा। तो जो गणना इतनी स्पष्ट थी, स्वयं सिद्ध थी, उसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। और जिनको ये नहीं पता था कि सूर्य घूम रहा है या पृथ्वी घूम रही है, हमारे ज्योतिष में एक अच्छी बात बताई थी, उन्होंने जिक्र दिया महाराज जी ने, मैं तो नहीं करने जा रहा था, कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य चक्कर लगा रही है, सूर्य भी पूरे पूरे अपने सौरमंडल के साथ निहारिका किसी और पॉइंट का चक्कर लगा रहा है। और वो अब पता लग रहा है कि हमारी धनु राशि है उसके, उससे लाइन खींचेंगे, उसमें एक तारा आता है, सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। और इसीलिए आज से नहीं, पिछले 50,000 वर्षों से हम धनु राशि कोदंड राशि कहते रहे हैं, क्रु राशि कहते रहे हैं। और इसीलिए सूर्य धनु क्रास के मकर में आता है, हम कहते सूर्य अब उत्तरायण में आ गया, ये विशेष दिन आ गया, अनादिकाल चला रहा है। जब जब सूर्य उत्तरायण क्रास करता है एक विशेष अवसर मानता है, तो उसे लिखा भी है कि माघ मकर गति जब रवि होई तीर्थ पति आप सबको, एक विशेष अवसर आ गया उत्तरायण का, अब सूर्य मकर राशि में आया है, इस कोदंड राशि को क्रॉस कर दिया है, जहां से ये सेंटर बंधा हुआ था उस सेंटर को बांध कर बाहर आ गया है। भीष्म पितामह पड़े थे सरसैया पे कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आएगा प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो ये सभी बातें जो अब पता लग रही हैं साइंटिफिक थ्योरीज की, यस सन ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड दैट स्टार, ये अब पता लगा। लेकिन भीष्म पितामह कब से बोध था कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आएगा मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो जो विद्या इतनी स्वयं सिद्ध हो उसके बारे में क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। लेकिन सूर्य सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से अगर हमने अध्ययन किया तो बहुत ही शीघ्र और नई बातें सामने आएंगी। आज का दिन वेदवीर का दिन है, आप इनको ध्यान से सुनिए। सुनने तो आए हैं लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि ध्यान से सुनिए की बात को। इन्होंने कई वर्षों की रिसर्च की है तब यहाँ पर पहुँचे हैं, एक दिन की बात नहीं है। जैसा मैं जानता हूँ कम से कम इसके पीछे 15-20 वर्ष का तो मेरा समझा हुआ इतिहास है। पता नहीं कब से इनके मन में ये कुलबलाहट रही होगी मैं इस पर काम करना है, और ये करते रहे। आज जा करके इन्होंने ले आए हैं, उसके माध्यम से इन्होंने आदि शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महाभारत और इवन रामायण के बारे में कुछ तथ्य इकट्ठे किए हैं। तो सुंदर अवसर आप सबके लिए है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आपको एक अवसर मिल रहा है इस बात को सुनने और समझने का। तो कृपया ध्यान सुने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छी तरह से सूर्य सिद्धांत का एवं इस व्याख्यान की जो प्रधानता प्रमुखता जो है उस विषय को अपना उस विषय पर आपने अपना प्रकाश डाला है। तो सभी का जो काफ़ी लंबे समय से हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं सुनने की, वो समय आ गया है। तो मैं डॉक्टर वेदवीर आर्य जी का छोटा सा परिचय देता हूँ। वेदवीर आर्य जी परंपरागत से गुरुकुलीय परंपरा से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन गुरुकुलों में किया है, उसके उपरांत अभी वर्तमान में वो रक्षा मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। और यह हमें थोड़ा विचित्र सा लगेगा, जॉइंट सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठा हुआ एक अधिकारी सूर्य सिद्धांत को लेकर के बोल रहे हैं, तो ये विडंबना हमको कई संदर्भों में देखने को मिलता है। कुछ ही समय पहले हमने पुणे में एक महाभारत का काल का निर्धारण करने के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था, उसमें कई सारे विद्वान आमंत्रित थे। तो उन विद्वानों की एक लिस्ट अगर देखी जाए तो उसमें एक ऐसे दो तीन नाम हैं, जैसे ML राजा हैं, मनीष पंडित हैं, इनको देखा जाए तो वो पेशे से वो डॉक्टर हैं, दिन भर वो क्लिनिक में बैठ के अपना काम करते हैं, फिर आकर के
वो हिस्ट्री पेपर क्रोनोलॉजी के ऊपर काम करते, और ऐसे लोग प्रमुख रूप से आमंत्रित थे, उन्होंने अपना कार्य वहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इसी में डॉक्टर वेदवीर जी भी आते हैं, इनकी इतिहास के ऊपर क्रोनोलॉजी के ऊपर खुद की जो गहरी रुचि है उसके कारण उन्होंने शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, और रामायण इत्यादि उनको जो मूल स्रोत ग्रंथ है उनको अध्ययन करके अपना शोध सार निकाला है। तो वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए, और कई साल वर्षों से इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने रिसर्च आर्टिकल भी छापे हैं और बुक भी पब्लिश किए हैं। तो मुख्य रूप से चार बुक प्रकाशित हैं जिनका नाम ऐसे हैं कि इंडियन कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है, क्रोनोलॉजी ऑफ एंशंट इंडिया, क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम मनु टू महाभारता, क्रोनोलॉजी ऑफ फ्रॉम महाभारता वार टू मिडीवल एरा, ये दो वॉल्यूम में प्रकाशित है। इस प्रकार के पुस्तकों के प्रकाशन के अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आपने प्रस्तुत किया है, तो आप अगर यूट्यूब पे देखना चाहें इस व्याख्यान का सारांश, आप यूट्यूब में टाइप करेंगे 8800 साल ओल्ड ईयर इंडियन कैलेंडर ऑफ मयासुर सूर्य सिद्धांता टाइप करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखेगी जिसमें इनका पूरा शोध सार भी हम देख सकते हैं। तो इस अवसर पर मैं डॉक्टर वेदवीर आर्य जी का सादर आमंत्रित करता हूँ अपने व्याख्यान देने के लिए। आदरणीय अर्जुन बस्तोला जी, आदरणीय एबी शुक्ला जी, आदरणीय पवन श्रीवास्तव जी, और IGNCA के इस तत्वावधान में और इटर्नल हिंदू फाउंडेशन के द्वारा भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने में उनका काफ़ी योगदान रहा है, तो मैं उन सब का आभार व्यक्त करते हुए आप लोगों को पहले एक विषय में समझा दूं। सूर्य सिद्धांत के बारे में तो एक ज्योतिष शास्त्रीय हमारा बहुत ही प्राचीनतम और एक बहुत ही वैज्ञानिक ग्रंथ है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा जो आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी, क्योंकि आप सब ने सुना होगा आर्कियोलॉजी खुदाइयाँ होती, जैसे अभी सिनोली में खुदाई हुई जो वहाँ पर रथ मिले और उनकी जब डेटिंग की गई 2000 BC या उससे पहले के भी हो सकते हैं, तो वो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। आपने जो अभी जो भूमि का परत ऊपर दिख रहा है वो आधुनिक है, जब आप उसको खोदेंगे तो आपको जो है प्राचीन काल के आज से लगभग 4000 वर्ष पुराना मिला है। तो ये जो आर्कियो एस्ट्रोनॉमी है ये आकाश में खुदाई है, मतलब आप आकाशीय जो पिंडों का जो उनकी जो गति है उनका जब आप बैक कैलकुलेशन करके और उनके जो सिमुलेट करते हैं तो एक विशेष परिस्थितियों के बारे में जब ग्रंथों में उल्लिखित है तो उनकी भी डेटिंग उतना ही प्रामाणिक है जितना सिनोली में एक रथ का मिलना और उसके कार्बन डेटिंग वाला। तो वो कैसे हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले एक डॉक्यूमेंट्री है वो हम चला देते हैं, पहले वो 20 मिनट्स का है, ये इससे आपको पूरा विषय आ जाएगा, फिर उसको मैं विस्तार से मैं आपके सामने हिंदी में रखूंगा, वैसे ये अंग्रेजी में है इसका हिंदीकरण कर नहीं पाए, लेकिन अभी हम ये डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाते हैं अभी। और डॉक्यूमेंट्री चलाएं, तो विशेष रूप से क्योंकि सूर्य सिद्धांत में ना ये कहा गया कि मयासुर ने जो है 28वें कृतयुग के अंत में लिखा है, तो उस समय आकाश में जो बहुत सारे ग्रहों के कंजंक्शन की एक बात उन्होंने कही, अस्मिन् कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः विना तु पातमन्दोच्चान् मेषादौ तुल्यतामिताः। तो मेषादौ मेष राशि के प्रथम डिग्री में सूर्य की स्थिति और सारे ग्रहों के मध्य में सूर्य की स्थिति, और वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, ये कंजंक्शन की बात होती है। कंजंक्शन जो है वो सारे ग्रहों का जब विद इन 30 डिग्रीज, क्योंकि ना जो आकाश में जो हम जो ऑब्जर्व करते हैं उसको अगर हम 360 डिग्री ले लें तो 360 डिग्री को अगर 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 12 राशियाँ हैं,
30-30 डिग्रीज का 360 होता है, तो 30 डिग्री का एक राशि होता है। तो एक राशि के अंदर ही विद इन 30 डिग्री में अगर सारे ग्रह चंद्र और सूर्यमा सूर्य चंद्र और सूर्य और पांचों ग्रह अगर एक साथ आ जाते हैं तो उसे कंजंक्शन माना जाता है। और ऐसा 400 वर्षों में 500 वर्षों में एक बार होता है, वो रोज़ रोज़ नहीं होता है। एक तो कंजंक्शन, दूसरा सूर्य का प्रथम मेष राशि के प्रथम डिग्री में होना, उसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन होना। तो ये जो है काफ़ी रेयर कंजंक्शन होता है। मुझे लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी आप अगर कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि लाखों वर्षों में एक बार होता है ऐसा। तो वो है, उसको हम कैसे डेट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने उस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई क्योंकि मेरे गणना के अभी ये तो वो आज से जो कंजंक्शन है ये प्रथम डिग्री में ये हुआ था 22 फरवरी 6778 बीसी में। तो एग्जैक्टली 2022 में 8800 वर्ष कंप्लीट होते हैं उस कंजंक्शन के आधार पर आज। तो अभी भी अगर हम लोगों का ये तो जनवरी स्टार्ट हो गई यहाँ पर ये 2023, लेकिन 22-23 एक्चुअली ये वर्ष 8801 8801वां वर्ष है सूर्य सिद्धांत के, जब उन्होंने उसका कंपाइलेशन किया था मयासुर ने, क्योंकि उन्होंने इस कंजंक्शन को इपोक मान करके कैलेंडर का एक सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था कि क्योंकि इसी वजह से सूर्य सिद्धांत जो है बहुत ही एक्यूरेट सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ। उसका कारण यह है क्योंकि जब ग्रह गणित में आप एक कंजंक्शन से स्टार्ट करते हैं तो फिर आपके पास बहुत एक एक्यूरेट डेटा, इसी की वजह से सूर्य सिद्धांत को सबसे एक्यूरेट माना जाता है। ये मुझे लगता है कुछ वॉइस कारणं राज्ञं राजा वा कालकारणं इति ते संशयोऽहं भू राजा कालस्य कारणं। The origin of ancient Indian astronomy is closely linked with the growth of agrarian society of the early Vedic period. The Vedas indicate the knowledge of lunisolar calendar, intercalary month, and the division of the zodiac into 28 nakshatras. Later, it was Mayasura's Surya Siddhanta which had revolutionized Indian astronomy by introducing astronomical calculations based on spherical trigonometry and ushered in a new era of Siddhantic astronomy. According to Surya Siddhanta, Mayasura observed a rare conjunction of the sun, moon, and all planets except their nodes and apsides were in conjunction in Aries, Mesha,
on new moon day of Chaitra month at the end of the 28th Krita Yoga. Software simulations using the JPL Horizons ephemeris system established that such conjunction on Chaitra Shukla Pratipada occurred only once in the last 16,000 years. That is, on 22nd February 6778 BCE. Evidently, Mayasura had personally observed this conjunction in 6778 BCE and referred to this conjunction as an epoch for his Surya Siddhanta. In the 57th verse of chapter 1, Mishado means that Sun was in the first degree of Aries, and Madhyadataha means Sun was in the middle of this conjunction of planets. The simulation shows that Venus, Saturn and Moon were located east of the Sun, whereas Mercury, Mars and Jupiter were located west of the Sun. The Sun was in the first degree of Aries and in the middle of this 26 degree conjunction of all planets. The conjunction perfectly matches with the description given in the Surya Siddhanta. This rare conjunction occurred only once in the last 16,000 years. This establishes that Mayasura wrote Surya Siddhanta in 6778 BCE, and the calendar of Surya Siddhanta completes 8,800 years in the year 2022. Prior to 6777 BCE, a Yuga calendar of 5 years and a Chaturyuga calendar of 20 years were in vogue. Ancient Indian astronomers revised the time span of a Chaturyuga from 20 years to 4800 years and established a Yuga cycle of 1200 years. Subsequently, the Chaturyuga cycle was enlarged from 4800 years to 12,000 years with a differential duration of yugas. Before Mahabharata era, the time span of a yuga increased from 1200 years to 432,000 years, and that of a Chaturyuga cycle increased from 12,000 years to 4320,000 years, with an objective to facilitate accurate calendric and astronomical calculations in whole numbers. It is pertinent to understand the evolutional history of the scheme of nakshatras in Indian astronomy. During the Vedic era, the scheme of 28 nakshatras starting from Mrigashira was introduced around 11,200 BCE. At that time, winter solstice occurred at Mrigashira. When winter solstice shifted to Rohini in 10,200 BCE and Kritika in 9,200 BCE due to precession of equinoxes, the order of nakshatras was also updated. The list of nakshatras starting from Kritika in Atharvaveda, which indicates that the Nakshatra Sukta was written when winter solstice had shifted to Kritika. When winter solstice again shifted to Ashwini around 7322 BCE, Abhijit was finally excluded and the list of 27 nakshatras was formally introduced starting from Ashwini. This major change in the scheme of nakshatras has been considered as the beginning of the 7th Manvantara. Thus, the first Krita Yuga of the 7th Manvantara commenced in 7322 BCE. Bhagavat Puran and Mahabharata's Vanaparva mention that when the first Krita Yuga commenced, a conjunction of Sun, Moon and Jupiter took place in Pushya Nakshatra on the day of vernal equinox and new moon, that is 24th May 7321 BCE. Using computer simulation of nakshatra latitudinal data by varying ecliptic obliquity, ecliptic node location, and ecliptic sync together with proper motion, Sri Anil Narayanan demonstrated that a match for the Surya Siddhanta latitudinal data was obtained in the time frame 7300 BCE. Therefore, Mayasura was the real father of trigonometry, who lived much prior to Greek astronomer Hipparchus.
Mayasura's Surya Siddhanta was the first stream of knowledge which formulated the concept of 7-day week, starting from the epochal day of Surya Siddhanta, that is, 22nd February 6778 BCE, Sunday. This tradition of 7-day week was adopted by the entire world subsequently. This fact indicates that a reform in the modern Gregorian calendar is required, since the epochal day of Surya Siddhanta, 22nd February 6778 BCE, and the epochal day of the Shakanta era, that is, 1st April 78 CE, have been erroneously calculated as Wednesdays in the Julian calendar. It would also be logical to replace the concept of Julian day with the Surya Siddhanta day, considering the day 0 of year 0, starting from 22nd February 6778 BCE. The belief of Western scholars that the ancient Babylonians were the first to introduce the Sabbath, that is, Saturday, as holiday, and the Hebrew calendar of Jews adopted it from them, is not founded on facts. It was the ancient Indians who introduced the concept of 7-day week to the world. All cycles of 60 years or 12 years in the world follow the epoch of the Surya Siddhanta cycle of 60 years, that is, 6777 BCE. Abu Fazl mentions that an ancient Turkish era calendar, also known as Aykhuri, was based on a 12-year cycle. Ancient China also used the 60-year cycle, and the first year of the current Chinese cycle was 1984 CE. The Chinese cycle of 60 years and the Turkish cycle of 12 years are based on the Indian epoch of 6777 BCE. Under influence of Surya Siddhanta, Brahma Siddhanta introduced the cycles of 12 years and 60 years starting from 6773 BCE. Thus, 6773 BCE was the first year in Brahma Siddhanta's 60-year cycle, whereas 6777 BCE was the first year in Surya Siddhanta's 60-year cycle. Presently, we are following the Brahma Siddhanta's 60-year cycle, and 1987 was the first year. Tibetans also followed the 60-year cycle of Brahma Siddhanta. Abul Fazl refers to an astrological era of creation that reckoned when all planets were in conjunction in Aries. The Arab astronomer Abu Mashar, in his book Kitab al-Kiranat, says that the world was created when the sun, moon, and all the five planets gathered at the first degree of Aries. He proposed cycles of events choosing the Yuga cycle of 180,000 years, similar to Mayasura's Surya Siddhanta. Al-Biruni states that Abu Mashar derived his conclusions from Indian sources. Abul Fazl mentions that 184,696 years have elapsed, starting from the epoch of astrological era of creation. Persian astronomers might have counted roughly 3,000 years from the epoch of the conjunction in Aries to the epoch of deluge in 3708 BCE. According to Varaha Mihira, a yuga of Mayasura's Surya Siddhanta had a duration of 180,000 years. It appears that astronomers multiplied 3,000 years by 60 and assumed that 180,000 astronomical years had elapsed by the time of deluge in 3708 BCE. If 3,000 civil years are added to the epoch of the deluge, the Persian epoch of the conjunction in Aries is exactly the conjunction of 6778 BCE, recorded in Surya Siddhanta. Thema Mundi. The earliest horoscope in Greek tradition was prepared during the 7th millennium BCE, and it has Cancer in the ascendant,
which indicates the vernal equinox at Cancer. Greek scholars Plato and Cicero also mentioned that the great year began at the conjunction of the Sun, Moon, and all planets. It indicates that Greek astrology was also influenced by Mayasura's Surya Siddhanta. Accordingly, the epoch of Surya Siddhanta, that is 6778 BCE, became an astrological epoch of the creation of the world in Persian and Greek astrology. Mithraism of West evolved when the Surya Siddhanta was theologically transformed into the worshipping of Mitra, the sun god. Winter solstice became the birthday of Mitra because the new year in the Surya Siddhanta used to commence at winter solstice in the 7th millennium BCE. Certain astronomical observations recorded in post-Surya Siddhanta literature can also be scientifically dated. The historical events of Ramayana occurred around 5677 to 5577 BCE in the last century of the Treta Yuga. Yuddha Kanda of Ramayana indicates the position of a comet in Mula Nakshatra when the Vanara Sena was ready to march towards Lanka. Ramayana describes that a comet touched the root of Mula Nakshatra, which was oppressed by a planet almost at the same time. Venus was in the Mula constellation around 22nd August to 3rd September 5635 BCE, and the Halley's comet had also entered Mula Nakshatra on 23rd August 5635 BCE. Thereafter, it gradually faded away. Since Brahmana was born in Mula Nakshatra, the appearance of Halley's comet in Mula Nakshatra in 5635 BCE has been assumed as an astrological indication of the destruction of Rakshasas. This way, the date of Rama-Ravana Yuddha can be absolutely fixed in 5635 BCE. The Dwapara Yuga of 2400 years commenced in 5577 BCE and ended in 3176 BCE, and the Mahabharata war took place in 3162 BCE. The available text of Surya Siddhanta was written by Latadeva in 3101 BCE, based on Mayasura's Surya Siddhanta of 6778 BCE. Varaha Mihira's Pancha Siddhantika gives a summary of Mayasura's Surya Siddhanta. The main difference between these two Siddhantas is that Mayasura referred to a yuga of 180,000 years of Asura tradition, whereas Latadeva referred to a yuga of 432,000 years of Deva tradition. Interestingly, Latadeva observed a rough conjunction of all planets on Chaitra Shukla Pratipada, that is 18th February 3101 BCE, and compiled the text of Surya Siddhanta. The Surya Siddhanta indicates that the value of the Earth's obliquity to be 24 degrees. The obliquity of Earth's axis was 24 degrees prior to 2900 BCE. Presently, the obliquity is around 23.4 degrees. Surya Siddhanta measured the latitude of Ujjain to be 24 degrees and established the latitude of Ujjain as prime meridian in 6778 BCE. Because Ujjain is geographically located at the point where the zero meridian of longitude and the Tropic of Cancer intersect. According to Latadeva, there were two pole stars in 3101 BCE. Thuvan is part of Draco constellation, and it was the North Pole Star around 3900 to 1800 BCE. Alpha Eridani, or Akarnar, was the South Pole Star around 3400 to 2000 BCE. Around 3400 BCE,
Akarnath's declination was 82 degrees 40 minutes, placing it within 7.5 degrees of the South Celestial Pole. Puranas give the description of the stars of Shishumara, that is, Draco constellation, and refer to the position of the North Pole Star in the tail of Draco constellation. It is well known that Vyasa of Mahabharata era compiled Puranas in the 32nd century BCE. Surya, Paitamaha, Vashishtha, Robaka, and Paulisha Siddhantas discussed by Varaha Mihira in the Pancha Siddhantika are Indian Siddhantas. Robaka Siddhanta's Yuga of 2850 years comprised 1050 Adhimasas and 16,547 Tithi Pralayas. Western Indologists speculated that 2850 year cycle of Romaka Siddhanta has 10,40,953 days, which implies a year of 365 days, 5 hours, 55 minutes, 22 seconds, similar to the calculations made by Hipparchus and Ptolemy. They also concocted a false theory that the Romaka Siddhanta is based on the tropical system of Greece and Byzantine Rome. Romaka Siddhanta was founded in India much before the evolution of Hellenistic astronomy and the foundation of Rome. It is originally a lunisolar calendar, and the Yuga of 2850 years is based on Shatapatha Brahman's Yajnavalkya cycle of 95 years. The speculation of the foreign origin of Romaka Siddhanta is falsely founded. The metonic cycle of 19 years is undoubtedly derived from the subcycle of 95 years of Romaka Siddhanta. Varaha Mihira refers to a commentary on Romaka Siddhanta written by Latadeva around 3101 BCE. Paulisha Siddhanta also evolved before the Mahabharata era, because Latadeva wrote a commentary on the Paulisha Siddhanta around 3101 BCE. Paulisha and Surya Siddhantas both give the length of the sidereal year as equal to 365.25875 days. Apparently, Paulisha Siddhanta also followed the lunisolar calendar of Chaitra Shukladi and the Indian cycle of 43,20,000 years. Western scholars said that Paulisha Siddhanta follows Yavana Jataka, but chronologically, Latadeva's commentary on Paulisha Siddhanta is older than Yavana Jataka. Therefore, Paulisha and Romaka Siddhantas existed in India much before the evolution of Hellenistic astronomy. Prior to the commencement of Siddhantic astronomy in 6778 BCE, Vedas and Brahmanas indicate the beginning of Samvatsara in Sharad Ritu. Therefore, the reference of Vishuvat in Vedic literature must be interpreted as the autumnal equinox. The Ashwini hymns of the 7th Mandala, compiled by Vashishtha Maitra Varuni, indicate that the Sharad Ritu calendar of Vedic era had commenced when the autumnal equinox occurred in Ashwini Nakshatra around 13,500 BCE. It has been misinterpreted by many scholars that Vedanga Jyotisha fixes winter solstice at the beginning of Shravishtha Nakshatra and summer solstice at the middle of Ashlesha Nakshatra. This misinterpretation leads to a date around 1400 BCE. The second verse of Rig Veda Jyotisha indicates that Shuchi had compiled the Jyotisha of Lagadha Muni. Evidently, Lagadha was not the real author of the available text of Rig Veda Jyotisha. The available Vedanga Jyotisha might have been recompiled around 3500 BCE, because it refers to Tapas month of Shishira season as the beginning of new year. The Mahabharata written in the 32nd century BCE
clearly indicates the knowledge of Vedanga Jyotisha. Shuchi's statement, Tad Adi Yugam Syat, tells us that the astronomical references to Shravishtha and Ashlesha Nakshatras are actually related to the Adi Yuga in the past and not observed during his lifetime. In fact, Lagadha Muni might have referred to autumnal equinox at the beginning of Shravishtha Nakshatra and vernal equinox at the middle of Ashlesha Nakshatra, which is dated around 8300 BCE. In Paitamaha Siddhanta of Vedanga Jyotish calendar, a Saptarshi cycle of 2700 years was introduced around 6777 BCE, and first 100 years from 6777 to 6677 BCE were hypothetically assigned to Ashwini Nakshatra. Every subcycle of 100 years was linked to one nakshatra in order to easily remember the number of 100-year cycles elapsed. Accordingly, Saptarshis were in Magha Nakshatra around 3177 to 3077 BCE, when Mahabharata war took place in 3162 BCE and Yudhishthira ascended the throne. Traditionally, ancient Kashmir followed this Saptarshi calendar. When the Kashmiri astronomers introduced the Chaitra Shukladi calendar in place of Magha Shukladi calendar, they had to reset the epoch of Saptarshi calendar in 3076 BCE, which came to be known as Laukika Samvat. Thus, Indian civilization has a tradition of 6700 years of pre-Siddhantic astronomy from 13500 BCE to 6778 BCE, and the tradition of 8800 years of Siddhantic astronomy from 6778 BCE to till date. Ancient Indians taught the basics of astronomy, trigonometry, spherical trigonometry and calculus to the world and attained the status of Vishwaguru for thousands of years in the past. Let's reclaim our glorious scientific heritage and inspire our scientists to work together with pride and passion so that the glory of our nation could be reawakened to the world. Let us be proud of being the descendants of the greatest and the oldest continuous civilization which laid the strong scientific foundations in ancient times that perhaps led the world in the direction of the modern advanced sciences. तो ये 22 मिनट्स का एक डॉक्यूमेंट्री, इसमें जो आपको विषय जो समझाया गया, पहले जो क्योंकि भारत एक प्राचीन सभ्यता है तो वैदिक युग से लेकर के आज तक हमारा एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, तो एक उन्नत कैलेंडर, एक जो ल्यूनिसोलर कैलेंडर है वो हम वैदिक युग से लेकर आज तक हम प्रयोग करते आ रहे हैं, तो उसके फुटप्रिंट्स क्या हैं, तो उसको कंटिन्यूटी एक एस्टैब्लिश करते हैं जब हम अपने प्राचीन कैलेंडर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जितने भी आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस हमारे संस्कृत ग्रंथों में अवेलेबल है, उनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको जो सिद्धांत ज्योतिष का प्रारंभ हुआ, उससे पहले जो प्री सिद्धांत ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष से पूर्व का कैलेंडर जो वेदांग ज्योतिष का कैलेंडर था वो कब से प्रारंभ हुआ, और वो उस ट्रेडिशन को फिर हमारे लिए अगर हम महाभारत काल तक तो हमें जो समय है वो पूरा एक एक वर्ष का है, उससे पहले हमें बताया जाता सातवें मन्वंतर का 28वां कलयुग अभी चल रहा है, तो ये युग कैलेंडर ही था महाभारत काल से पहले, तो उसको जब तक आप रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो आप अपनी क्रोनोलॉजी को एक वैज्ञानिक रूप से स्थापित नहीं कर पाएंगे।
तो वो प्रयास किया गया है। तो तो सबसे पहले जो हमारे लिए जो क्रोनोलॉजी, क्योंकि आर्कियो एस्ट्रोनॉमी विशेष रूप से एक टाइमलाइन को स्थापित करने के लिए उसकी स्टडी होती है, तो हमारे लिए जो ट्रेडिशनल एविडेंस है, पांच युग का जो वेदांग ज्योतिष का जो कैलेंडर है, ये आपको महाभारत पढ़ के पढ़ लीजिए, महाभारत में ये पांच वर्षों के युग का पूरा वर्णन है। यहाँ तक कि भीष्म जो है, जब ये विवाद हो जाता है अज्ञातवास के बाद कि दुर्योधन कहते कि नहीं, इन्होंने 13 वर्ष पूरा नहीं किया, अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही ये, इनको मैंने पहचान ली इसलिए इनको दोबारा वनवास जाना चाहिए, तब युधिष्ठिर जिस तरीके से ये भीष्म जब समझाता है वो वेदांग ज्योतिष को कैलेंडर, तो महाभारत काल में वेदांग ज्योतिष था। तो जो आधुनिक इतिहासकार केवल एक वो 1300 BC के आसपास इसका डेट होता है, और वेस्टर्न स्कॉलर्स कहते हैं नहीं, वो मे बी 200 BC, तो ये डेटिंग करते हैं। ये सबसे उससे क्या होता है कि वेदांग ज्योतिष सूर्य सिद्धांत आपको 1300 के बाद ही होना चाहिए, उससे पहले हो नहीं सकता, इसलिए सूर्य सिद्धांत की डेटिंग कर देते हैं 300 AD। वो वराह मीर का जो पंच सिद्धांतिका में जो सूर्य सिद्धांत है, उसके बाद एक बार अपडेशन हुआ 800 AD। तो इस तरीके से आधुनिक इतिहासकारों ने सही डेटिंग नहीं की। हमारे पास सूर्य सिद्धांत के लिए समय क्या है, 28 कृतयुग के अंत में हुआ, 7वें मन्वंतर के 28 कृतयुग के अंत में हुआ। तो जब तक आप इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे तो आप सही डेटिंग नहीं, तो इसके लिए मैंने वो जो मैंने कंजंक्शन की जो डेटिंग की है वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप उसको, क्योंकि आपको एक टाइम करेक्शन लेना पड़ता है वो डेल्टा टी का, क्योंकि जो चंद्रमा की गति है उसमें ये ग्रेविटेशन की वजह से कई बार उसमें एरर्स होते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए डेल्टा टी करेक्शन होता है। तो उसका एक बहुत अच्छा फार्मूला नासा ने डेवलप किया है उसको, ये JPL होराइजन वाला, वो आप सेलेक्ट करके किसी भी सॉफ्टवेयर में देखिए, डेट वही आएगी 22 फरवरी। तो हमें जो है एक रिमोट पास में एक एब्सोल्यूट डेट मिल जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है जिसके आधार पर हम भारतीय कैलेंडर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जैसे यवन जातक है और वृद्ध यवन जातक है मीन राज का, फिर रोमक सिद्धांत ये सब, लेकिन आप देखेंगे हमारे सारे जो पंच सिद्धांतिका में जो पांच सिद्धांतों के बारे में जो वर्णन है उसमें विशेष रूप से रोमक और पोलिश पर लाटदेव ने कमेंट्री लिखी है, और वही लाटदेव जो सूर्य सिद्धांत का दोबारा कंपाइल कर रहे हैं, उन्होंने इपोक लिवा 3101 BC, जिसे हम कलयुग का कैलेंडर कहते हैं, जो हमारे अभिलेखों में भी कई जगह प्रयोग हुआ है। तो यही है। और वराहमिहिर और कालिदास विक्रमादित्य के सभा में थे 1st century BC में, लेकिन डेटिंग की जाती है 505 AD और आर्यभट्ट। अगर वराहमिहिर 1st century BC में थे, जो कि परंपरागत रूप से जिस तरीके का हमारी डेटिंग है, तो हम आर्यभट्ट को डेट कैसे कर सकते हैं 499 AD में, क्योंकि वराहमिहिर आर्यभट्ट और लाटदेव दोनों को रेफर करते हैं, उनके बारे में अपने ग्रंथों में लिखा है। तो इस तरह की क्रोनोलॉजी की वजह से हमें विश्व में जो ज्योतिष शास्त्र का जब इतिहास लिखते हैं तो वो हमको क्या पढ़ाते हैं। हमने कहा भारत विश्वगुरु है, तो कहाँ विश्वगुरु है, क्योंकि उनको लगता है कि जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ भारत, उसके बाद ही भारत का परिचय हेलेनिस्टिक एस्ट्रोनॉमी किया, उसके बाद हमारे पास, तो गुरु कौन हुआ, भारत या ग्रीस, तो ये है। तो हिपार्कस को कहा जाता है कि उन्होंने ही प्रिसेशन को पहली बार उन्होंने किया, और वो ही इज़ द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे पहले विश्व को ट्रिग्नोमेट्री का कोई ज्ञान नहीं था। फिर ये थियन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, फिर डेविड पिंगरी का ये स्टेटमेंट पढ़े, इट इज़ नॉट अनरीजनेबल टू सपोज दैट द आइडिया ऑफ ट्रेपिडेशन और प्रिसेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू इंडिया बाई द ग्रीक्स, दो द पैरामीटर्स चूज इंडियंस आर देर ओन। तो ये एक प्रकार का डिस्टॉर्शन है जब आपको क्रोनोलॉजी नहीं है, तो ऐसे ही हो जाता है, जब आपको टाइमलाइन नहीं पता, पोता दादा हो जाता, दादा पोता हो जाता है। इन्हें वे ग्रीक सिविलाइजेशन भारत के
एक ग्रैंडसन के उस लेवल में होना, क्योंकि भारतीय सभ्यता, वैदिक सभ्यता ग्रीक सभ्यता से भी प्राचीन है। लेकिन जब टाइमलाइन में अगर आपके पास नहीं है तो ये दुर्गति होनी थी, वो भारतीय इतिहास के साथ यही हुआ है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल क्या कहता है, सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट होता है 28 कृतयुग के अंत से, उससे पहले हम वेदांग ज्योतिष कैलेंडर का प्योग कर रहे थे, माघ शुक्लादि कैलेंडर, पंच संवत्सरम युगम, तो पांच वर्षों का युग का हम प्रयोग कर रहे थे। लेकिन आधुनिक इतिहासकार सूर्य सिद्धांत को 300 AD से पहले रखते ही नहीं, क्योंकि उनके उनके मस्तिष्क में भारतीय सभ्यता अलेक्जेंडर से पहले विकसित ही नहीं, कोई सभ्यता थी ही नहीं, क्योंकि सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ एलियंस थे, उनका से ख़त्म हो गया सडनली, हम पता नहीं कहां से, या तो आक्रमणकारी थे कहीं बाहर से आ गए आर्यों की तरह, तो फिर वेदों का लिखना वो स्टार्ट हो। ये इस तरह के जो मानसिकता वाले जिनके पास कोई एविडेंस नहीं है, केवल डाउट है, तो ये जो डाउटिंग थॉमस वाला जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे बिना किसी कारण के संदेह करने वाले, तो उनको हम ज़्यादा सम्मान देने लगे, इसलिए जो है हम अपनी प्राचीनता को भूल चुके। तो अब हमारे लिए समस्या थी कि हम कैसे इसको डेट कर सकते हैं, तो इसका मैंने आपको पूरे डॉक्यूमेंट्री में वो समाधान दिया कैसे हमें ये है, इसके आधार पर आप अस्मिन कृतयुगस्य अंत, ये ऐसा है कि इसको बैक, कोई ये कहे कि नहीं किसान आपने बैठ के बैक कैलकुलेट, ठीक है, अगर किया है तो मेरे पास वो डेल्टा टी करेक्शन वाला फार्मूला होना चाहिए, क्योंकि मुझे ग्रेविटी का 100% एक सही जानकारी होनी चाहिए, आधुनिक कंप्यूटर्स होने चाहिए, उसके बाद ही हो सकता है, ये मैन्युअली कैलकुलेट होना संभव नहीं है, क्योंकि कई दिनों का इसमें अंतर आ सकता है कि मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन ही है जो रिकॉर्डेड है, ये नहीं कह सकते कि किसी ने बैठ के बैक कैलकुलेट किया, ये संभव ही नहीं। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि 1950-1970 बिफोर इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर्स कोई नहीं कर सकता था। तो ये पर्सनली ऑब्जर्व्ड एक एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन है, जिसकी एक बहुत ही शत प्रतिशत वैज्ञानिक रूप से डेटिंग हो सकती है। और मयासुर ने क्या किया, क्या डिफरेंस है दोनों में, पहले हम क्योंकि जो महीना है वो चंद्रमा की गति पर आधारित है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक या अमावस्या से अमावस्या तक, अब आज भी अगर आप देखें चंद्रमा एक दिन में 24 घंटे में कितनी दूरी तक चलता है, तो वो 13.2 डिग्री रफली, तो उसको हमने कहा एक नक्षत्र। लेकिन जब पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जब तिथियां होती है वो 12 डिग्री के लिए था, क्योंकि वो 29-30 डिग्री वो तिथियां होती, जबकि चंद्रमा जो है वो 360 डिग्री में जब घूमता है वो 13.2 डिग्री पर डे का होता है रफली, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कभी वो फास्ट उसकी गति हो जाती कभी, तो हमारे लिए महीना जो है हमेशा चंद्रमा पर आधारित है, क्योंकि आप महीना कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमावस्या से अमावस्या तक या पूर्णिमा से, तो आपके लिए किसी दीवार पर कैलेंडर टांगने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी बाहर जाके देख लीजिए रात में आसमान में, आपका कैलेंडर आपके लिए उपलब्ध है। तो भारतीय जो है बहुत ही ब्रह्मा और सप्तर्षियों के समय से ही ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कैलेंडर मेकिंग को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के जोड़ा है। अब आप जनवरी फरवरी इनमें कोई किसी एस्ट्रोनॉमी से कोई लेना देना नहीं, किसी तरह आप 365.25 डेज को रिकॉन्साइल करते हैं, तो ये तो बहुत ही अवैज्ञानिक कैलेंडर है, जिसे एक तरीके से ने पढ़े लिखे लोग मूर्खों के परंपरा को अपना लिया, वो काम हमने किया। तो ये ज्योतिष शास्त्र में ये सूर्य सिद्धांत या सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी का जो पहला इन्वेंशन था, उन्होंने क्या किया, बृहस्पति चक्र को, जोवियन साइकिल को भी, जो 12 वर्ष के में जो हम कुंभ मेला जो आयोजन करते हैं उसका एक प्रमुख कारण है कि सिद्धांत ज्योतिष में हमने जुपिटर साइकिल को भी कैलेंडर के साथ जोड़ा, क्योंकि एक्यूरेट जो इंटरकैलेशन है, समस्या यही है जब आप सूर्य का कैलेंडर जो है सोलर कैलेंडर वो उसको और ल्यूनर कैलेंडर का दोनों को जब आप रिकॉन्साइल करते हैं तो फिर आपको इंटरकैलेशन करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा का जो 12 महीने का चक्र वो 354 डेज होता है रफली, पॉइंट सम एक फ्रैक्शन है, फिर वैसे ही सूर्य का 311 डेज का एक डिफरेंस है दोनों में,
तो इन दोनों का जब रिकॉन्साइल करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ढाई वर्ष में एक ल्यूनर मंथ का इंटरकैलेशन करना है। लेकिन उसकी एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम था, ये वैदिक युग से लेके सूर्य सिद्धांत के आने तक एक स्ट्रगल था कि इस इंटरकैलेशन को कैसे परफेक्ट किया जाए। इसलिए जो है ये जो युग चतुर्युग जो कल्पना आई वैदिक युग में, कि वो इसलिए आए कि एक युग में हम दो चंद्रमास का इंटरकैलेशन करते हैं, लेकिन जैसे ही चार युग समाप्त होते हैं तो हम 15 दिन एक्स्ट्रा कर चुके होते हैं अगर हर 5 वर्ष में दो चंद्रमास करते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, जैसे ही चतुर्युग आएगा, चौथा युग, उसका जब दूसरा इंटरकैलेशन होगा तो हम करेंगे केवल अर्धमास का, 15 दिन का ही। तो ये जो अर्धमास वाला इंटरकैलेशन है वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं था। उसकी वजह से क्या होता था कि पहला चतुर्युग जो है अमावस्या से स्टार्ट होता था और पूर्णिमा में अंत हो गया, क्योंकि 15 दिन का ही आप इंटरकैलेशन कर सकते हो। फिर पूर्णिमा से प्रारंभ होता था, फिर अमावस्या में अंत होता था। तो ये चतुर्युग वाला कल्पना अर्धमास इंटरकैलेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो 5 वर्ष का ही था और 20 वर्ष का चतुर्युग था। अब आपको क्या करना है, 6778 BC से पहले जितने भी युग हैं उनको केवल आपको 5 वर्ष से ही गणना करना है। तो फिर आपकी क्रोनोलॉजी मिल जाती है आपको कि आपकी प्राचीनता कितनी हो सकती है, जो कि हमारी जो पारंपरिक गणित, क्योंकि भारत एक उन्नत सभ्यता रही है वैदिक युग से लेकर, जो उन्नत सभ्यता एक उन्नत कैलेंडर को फॉलो कर रहा था उसको गिनती नहीं आती हो कि कितने वर्ष समाप्त हो, ये संभव नहीं है। और एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, कहीं ऐसा कोई ऐसा नहीं कि बीच में कोई आपके सिविलाइजेशन समाप्त हो गए हो, बाद में दोबारा आप रिवाइव हुए, ऐसा नहीं। तो एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के पास जो समस्या है कि ये जो युग कैलेंडर में युग का जो लेंथ है वो बदलता रहा है, क्योंकि हम उसको और एक्यूरेट करना चाहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल युगास और हिस्टोरिकल युगास में वो अंतर है, उसको हमें समझना है। तो उसके बाद उन्होंने 60 ईयर का युग साइकिल भी किया, और एक और नया काम किया सूर्य सिद्धांत ने, आपको वीक डे का प्रारंभ कराया, क्योंकि वैदिक युग में हमने कभी वीक डेज का, वेदांग ज्योतिष में वीक डेज की कोई कल्पना नहीं थी। क्यों चाहिए था, क्योंकि आपको अधिक तिथि क्षय तिथि के लिए आपके पास अहरगण कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, कितने दिन समाप्त हुए उसकी भी गिनती आपके पास होना चाहिए, न केवल कितने वर्ष कितने महीने समाप्त हुए उसके अलावा भी कितने दिन। तो उसके लिए एक 7 दिन 7 इस तरीके से भारत ने ही विश्व को सप्ताह वाला जो कॉन्सेप्ट ने भारत ने दिया, अब तक विश्व को पता नहीं आज तक किसने दिया। वो अभी तक स्पेकुलेट करते रहते बेबीलोन से आया होगा फिर वो, या ये उनके लिए ज़्यादातर बेबीलोन ही होता है, क्योंकि बेबीलोन का ही ओल्डेस्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेक्स्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप सही सिद्धांत डेटिंग करेंगे सूर्य सिद्धांत का, तो सूर्य सिद्धांत सबसे प्रथम था। और इसके फुटप्रिंट मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, जैसे पर्शियन एस्ट्रोनॉमी है, इवन ग्रीक एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांत के फुटप्रिंट से, लेकिन अब उल्टा देखा जाता है, इसलिए वो समझते हैं कि सूर्य सिद्धांत जो है हेलेनिस्टिक एस्ट्रोनॉमी से या बेबीलोनियन एस्ट्रोनॉमी से प्रभावित है। क्यों कहते हैं, क्योंकि दादा पोता हो गया, पोता दादा हो गया, इसी काल क्रोनोलॉजी जब आपके पास नहीं है तो ये दुर्भाग्य हो जाता है। तो ये अनिल नारायणन वाला है, उन्होंने एक और तरीका अपनाया, उसके बेसिस पे भी उन्होंने डेट, वो भी एक्यूरेटली उसी डेट तक जाता है। तो ये है हमारी क्रोनोलॉजी। अगर हम कैलेंडर को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो पहले जो सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी की आप कब से 6777 BC से करेंगे, उससे पहले हमारे पास केवल 5 वर्ष का, क्योंकि इसके बाद युग के लेंथ को कम वो लेंथ में परिवर्तन हो, वो कैसे हुआ वो ये है। तो 6777 से पहले आप जितने भी युग समाप्त हो उसको केवल आपको कैलकुलेट करना है 5 वर्षों से, तो उससे आपको कितने वर्ष समाप्त हुए वहाँ तक मिल जाता है। उसके बाद क्या हुआ, केवल 1200 ईयर्स का युग इंट्रोड्यूस किया, इसलिए त्रेता युग जो है हिस्टोरिकली केवल 1200 वर्षों का ही रहा है। लेकिन जैसे ही त्रेता युग की समाप्ति दोबारा कैलेंडर रिव्यू हुआ, तब उन्होंने ये 12,000 ईयर्स का एक साइकिल लिया, क्योंकि समस्या है 365.25 एग्जैक्टली हमारे पास वो नहीं है। ये जो फ्रैक्शंस को जब आप डील करते हैं तो आपको नंबर को बड़ा करना पड़ता है एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि कैलेंडर में आप कुछ घंटों का कुछ मिनटों का आप समावेश नहीं कर सकते हैं, आपको एक दिन आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, एक दिन डिलीट करना पड़ेगा, आपको
इंटीजर में सॉल्यूशन चाहिए, होल नंबर्स में सॉल्यूशन चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं। इस वजह से क्या हुआ, युगों का लेंथ बढ़ा करना एक अनिवार्यता हो गई थी एस्ट्रोनॉमर के सामने। तो ये दो अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो वो जब डिफरेंशियल ड्यूरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया रामायण युग के बाद, इसलिए द्वापर युग जो है 2400 वर्षों तक था, फिर उसके बाद फिर कलयुग अभी तक चला आ रहा, क्यों, क्योंकि आपने युग लेंथ को और बड़ा कर लिया 4,32,000 ईयर्स के लिए। लेकिन 4,32,000 या 43,20,000 चतुर्युग महाभारत काल से पहले नहीं था प्रचलन में। तो इस तरीके से जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 16,000 BC तक जाता है भारतीय जो भी ज्योतिषीय गणना या जितने युग समाप्त हुए उसका। और इनके आधार पर जब हम एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस के साथ जब हम रिकॉन्साइल करेंगे तो भारत का जो टाइमलाइन आता है, पहले हम प्रोटो वैदिक इरा कह सकते हैं जिसका हमारे पास कोई एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस नहीं मिलते लेकिन गणना मिलती है। तो और अर्ली वैदिक पीरियड जो है 14,500 टू 13,500 BC तक का है। उसके बाद ऋग्वेद का जो कंपाइलेशन है और चारों वेदों का कंपाइलेशन है वो 11,500 से 10,000 आज से लगभग 13,000 वर्षों पुराना है वैदिक युग। उसके बाद पोस्ट वैदिक इरा है। उसके बाद जब कृतयुग का अंत होना, वो एक इपोक है जिसके आधार पर हम युग की गणना हम कर सकते हैं। और हमें त्रेता युग का जो टाइमलाइन है 1200 वर्षों का 677-5577 BC, तो रामायण युग आपको अंतिम शताब्दी जो है त्रेता युग की वो रामायण युग है। उसमें मैंने वो मूल नक्षत्र में धूमकेतु का होना और एक ग्रह, एक प्लैनेट भी था मूल उस समय जब ये देखा गया, तो उसके भी आप एस्ट्रोनॉमिकल गया आप एक एग्जैक्ट ईयर मिल जाता है आपको राम रावण युद्ध का, वो 5635। फिर उससे आप बैक कैलकुलेट कर 14 ईयर्स, क्योंकि 14वें वर्ष युद्ध हुआ था 14 वर्ष, फिर उससे पहले 25 ईयर्स का, तो वो 5674 BC में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो एग्जैक्टली 2025 जब राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो रहा होगा तब भगवान राम का 7700 ईयर का बर्थ ईयर होगा। दैट वुड बी एक होल नंबर का एक। तो फिर ये महाभारत युद्ध और ये जो अंतर है सूर्य सिद्धांत और लाटदेव का जो सूर्य सिद्धांत है, दोनों में अंतर है। जो पंच सिद्धांतिका में जो महा ये वराहमीर देते हैं वो मयासुर का आजकल उपलब्ध नहीं है। बाद में लाटदेव ने जो है मयासुर के सूर्य सिद्धांत पर जो सूर्य सिद्धांत आज उपलब्ध हैं वो उसको एक तरीके से उन्होंने रिकम्पाइल किया वो 43,20,000 ईयर्स को युग मानकर। लेकिन असुर ट्रेडिशन में 1,80,000 ईयर्स का ही युग है और ओरिजिनली वो 3,000 ईयर्स का युग था। उन वो भी 12,000 वर्षों का है, जैसे आज भी पर्शियन ट्रेडिशन में 12,000 वर्षों का उनका एक युग साइकिल है चार युगों का, तो वो 3,000 वर्षों का एक इक्वल लेंथ लेते हैं। इसलिए आर्यभट्ट भी कई बार कहते हैं, क्योंकि लॉजिकली डिफरेंशियल ड्यूरेशन उनके समझ में नहीं आता अगर एक कंजंक्शन टू, तो उन्होंने इक्वल लेंथ होना चाहिए ये आर्ग्यू किया अपने आर्यभट्टीय में। तो ये क्रोनोलॉजी है हम लोगों की। उसके बाद अगर हम जस्ट आप स्टार्ट करते हैं तो जब भारत में मैं 16,000 BC से आगे पीछे नहीं गया, क्योंकि आप किसी सभ्यता की उन्नत सभ्यता का हिमयुग में खोजना वैज्ञानिक नहीं होता, क्योंकि हिमयुग का मतलब क्या होता है, हार्श विंटर्स और माइल्ड विंटर, तो वो एक ही ऋतु होता है उसके अंदर, उसमें कोई आपके पास रेगुलर बारिश का भी कोई ऐसी संभावना नहीं होती है, तो आपके पास कोई किसी उन्नत सभ्यता का होना संभव नहीं। तो हिमयुग जो है 18,000 BC से पहले, 20,000 BC से पहले केवल हिमयुग था। तो उस समय हम क्योंकि जैसे ये जो सी लेवल राइज का आप अगर देखेंगे तो लगभग 18 से 16,000 BC के आसपास समुद्र का स्तर बढ़ना स्टार्ट हुआ था। तो उसी समय हमें जो है भारत में अगर जैसे होलोसीन हिमयुग का अंत वाला जो क्षेत्र वो कहा जाता है, वो तब से होगा जब साउथ वेस्ट मानसून भारत में रेगुलर होना स्टार्ट हुआ, वो है 16,000 BC के आसपास हुआ। तो भारतीय सभ्यता जो है एक बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे, जब एग्रारियन सोसाइटी, क्योंकि जब रोज़ बारिश होता है तो मैंने ये हर वर्ष जब वर्षा ऋतु चक्र जो ऋतु चक्र सही ढंग से चलता है तो फिर एक एग्रारियन सोसाइटी, एक कृषि आधारित समाज,
का उद्भव और विकास स्टार्ट होता है। तो हमने जो है लगभग मुझे लगता है 16,000 से लेकर 14,500 तक एक वर्षा ऋतु से वर्षा ऋतु तक, इसलिए शायद हम एक ईयर को वर्ष इसलिए कहते हैं, संस्कृत में जो शब्द जो आया वो वर्षा ऋतु से वर्षा ऋतु तक होने था, प्रारंभ में वही कैलेंडर था। तो उसके बाद 14,500 BC के बाद ये ब्रह्मा, ये प्रथम भारतीय, क्योंकि हमें उनसे पहले का इतिहास पता नहीं, ब्रह्मा थे उनके, उनका ही नाम हमने सृष्टिकर्ता के नाम से रखा है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति थे जिनके सप्तर्षि शिष्य थे और मनु जो है उनके पुत्र थे। मैं ऐतिहासिक बात कर रहा हूँ, मैं किसी धार्मिक मान्यता या हमारे जो आस्थाओं पर मेरा वो उस पर किसी का वो नहीं, कि एक व्यक्ति थे ब्रह्मा, उनके पुत्र थे मनु और उनके साथ शिष्य थे। तो एक ज्ञान परंपरा प्रारंभ हुई उनके साथ, कैसे कि उनके पास कृषकों की समस्या थी कि हमको पता कैसे चले कि वर्षा 3-4 दिन पहले, क्योंकि अगर आप 7 दिन पहले बीज बो देंगे तब भी आपका आपके कृषि जो है सफल नहीं होगी, या वर्षा प्रारंभ होने के बाद भी करेंगे तब भी है, आपको कम से कम 2-3 दिन पहले हो जाए कि अब वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाला है, तो ये कैसे पता। ये इस समस्या का समाधान उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से दिया कि धनिष्ठा नक्षत्र में जब, क्योंकि सरस्वती नदी के पास ही वैदिक सभ्यता का होना, तो सरस्वती नदी हरियाणा और राजस्थान में ही है, तो ये उत्तर भारत में, उत्तर भारत में वर्षा कब प्रारंभ होता है जब दक्षिणा, ये समर सोल्स्टिस, आज भी 21 जून के बाद ही वर्षाएँ, दिल्ली में बारिश 21 जून के बाद ही होता है, तो वो आपको पता करना है कि कब समर सोल्स्टिस हो रहा है। तो ये ब्रह्मा ने जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, जब सूर्य की स्थिति ये धनिष्ठा नक्षत्र में है तब, तो उसके हमारे पास सर्वप्रथम जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के डिटेल्स मिलते हैं वो ये है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 14,500 पर। और एक और हमें एक रोचक विषय मिलता है महाभारत में, ये कि विश्वामित्र, जो प्रथम विश्वामित्र, जो कान्यकुब्ज एक राजा थे, बाद में वो ब्रह्मर्षि हो गए, तो उन्होंने सबसे पहली बार ये प्रिसेशन वाला, इसको कहते हैं संपात, ये गोपत ब्राह्मण का, कि विश्वामित्र प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने संपात को उन्होंने देखा। तो ये है प्रिसेशन, प्रिसेशन का एक उन्होंने देखा कि ब्रह्मा के समय कहा जाता था कि धनिष्ठा नक्षत्र में आपको देखना, तो विश्वामित्र ने उसको कहा कि नहीं अभी जो है आपको श्रवण नक्षत्र में। तो ये 13,500 BC यही समय था जब वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में जो जो भी एक राइवलरी थी वो ज्ञान को लेकर थी, क्योंकि ये वो परंपरा को फॉलो कर रहे थे धनिष्ठा वाला, लेकिन विश्वामित्र ने साबित किया कि नहीं अभी जो है समर सोल्स्टिस श्रवण नक्षत्र में हो रहा है। तब फिर वशिष्ठ ने दोबारा तपस्या की, मीन्स बहुत रिसर्च किया, तपस्या के मतलब रिसर्च भी होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं वो, तो वो ये मैं रामायण का एक श्लोक इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में अंतर, प्रथम विश्वामित्र और ब्रह्मा के बीच में 1,000 वर्षों का एक उल्लेख था, पूर्णे वर्ष सहस्रे तो ब्रह्मा लोक पितामह। तो ये उनका जो प्रिसेशन है, उसके बाद ये मैं इसको स्किप करता हूँ। एक है जो विशेष रूप से आप पूरे आप वेदों में और वैदिक ग्रंथों में, पोस्ट वैदिक जैसे ब्राह्मण आरण्यकों में, जीवेम शरदः शतम् पश्येम शरदः शतम्, आप मैंने मोर देन 60-70 रेफरेंसेस मैंने कलेक्ट किए हैं यजुर्वेद में और रामायण ऋग्वेद में, अगर सारे वेदों में और वैदिक में तो 100 से अधिक होते हैं, उन्होंने शरद ऋतु को एक वर्ष का समान के रूप में ही प्रयोग किया। इसका मतलब है कि शरद ऋतु से शरद ऋतु तक का एक कैलेंडर वैदिक युग में विद्यमान था। तो ये जो है, और जो अश्विनी सूक्त हैं ऋग्वेद के, 50 सूक्त हैं ऋग्वेद में अश्विनी से, तो वो अश्विनी की जब आप डेटिंग करेंगे तो 13,500 BC के आसपास अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि के प्रथम डिग्री के आसपास वो आता था। उससे पहले वो जो दो नक्षत्र थे वो उस समय अश्विनी कुमार उससे पहले हो चुके थे, हमारे जो 33 देवता हैं, जो 12 आदित्य और वसु और रुद्र और दो अश्विनी, तो विश्व वशिष्ठ ने उन दोनों नक्षत्र जो अश्विनी, उनको अश्विनी नाम दिया गया। तो इस प्रकार से नक्षत्रों का नामकरण प्रारंभ होता है 13,500 BC के आसपास। तो वहाँ से हमारा एक युग कैलेंडर
प्रारंभ हुआ यहाँ से, 5 वर्ष का, फिर 20 वर्ष का चतुर्युग, ये होते होते फिर हम पहुँचते ये। लेकिन उस समय असुर और देवत, असुर कौन थे, कोई ऐसे नहीं थे, कोई मॉन्स्टर्स थे, ये देव और असुर कजन्स थे, दोनों में राजनीतिक पॉलिटिकल राइवलरी थी। तो उस समय एक तरह का दोनों में राजनीतिक विद्वेष होता है, तो फिर एक दूसरे के परंपराओं को भी ना अपनाने का, तो फिर उन्होंने वसंत ऋतु वाला कैलेंडर उन्होंने अपनाया, जबकि देव जो है शरद ऋतु को चैत्र मास से प्रारंभ किया उस समय। यही चीज़ सूर्य सिद्धांत में लिखा गया, मेषादौ देव भागस्ते देवानाम याति दर्शनम असुराणाम तो तुलादौ तो सूर्यस्तद्भाग संचर। ये जो सूर्य सिद्धांत वाला, क्यों मेष राशि से लेकर तुला तक जो है ये देव भाग है, और तुला से लेकर मीन राशि तक जो है वो असुर भाग है, इसका इसकी जो हिस्ट्री है वो 13,500 BC में जाता है। उसके बाद जो एक एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि भारतीय जो ल्यूनी सोलर कैलेंडर का की परंपरा है वो वैदिक युग से ऋग्वेद में जब कंपाइलेशन हुआ 11,502, उस समय जो है 12 आदित्यों का है, ये जो वशिष्ठ मैत्रावरुणी और दीर्घतमस इनके सूक्तों में मिलता है 12 राशियों का, 12 आदित्य, उसके बाद 720 डिग्रीज का, हाफ डिग्रीज का भी 320 इनका भी उल्लेख है जोडियक ये ऋग्वेद में। और यजुर्वेद इशे त्वोर्जे त्वा वायवा, बहुत सारे मंत्र है इशे त्वोर्जे, उन्होंने मधु माधव से प्रारंभ नहीं होता है यजुर्वेद में, क्योंकि इश जो है वो शरद ऋतु का प्रथम सोलर मंथ है। तो ये जो सोलर महीने मंथ है उनका नाम सूर्य यजुर्वेद में है। तो ये जो 12 राशियां हमको समझाया जाता है हमारे पास जो है वेस्ट से आया है, ये बिल्कुल गलत है। वो भारत ये जो सूर्य सोलर कैलेंडर है, ये 12 जो महीने आदित्यों का जो वर्णन है, और यहाँ तक कि ऋग्वेद का 4:33:7 मैंने मंत्र उल्लेख नहीं किया, उसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एक डिफरेंस है वो 12 दिन का होता है। तो 360 वेदांग ज्योतिष में एक साल, क्योंकि हमने फ्रैक्शंस को जो है एक राउंड ऑफ किया गया उससे बड़े नंबर के साथ, 365 से अधिक है तो 366 डेज लिया गया वेदांग ज्योतिष में, और 354 डेज आता है ल्यूनर मंथ में। तो इस तरीके से ऋग्वेद में उसका भी डिफरेंस, और यजुर्वेद में एक त्रयोदश मास का भी उल्लेख है। तो उससे जो है ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि जब वेदों का संकलन हुआ उस समय एक उन्नत ल्यूनी सोलर कैलेंडर का उद्भव भारत में हो चुका था, उसको उसका उसका प्रचलन भी भारत में था। और इसका जो मृगशिरादि जो लिस्ट है, सबसे पहले जैसे आपने ओरायन ग्रंथ पढ़ा होगा उनका, बाल गंगाधर तिलक का मृगशिरा को, तो मृगशिरा को अग्रायण कहना, और उसका एक कारण ये है कि उन्होंने नक्षत्रों के लिस्ट के लिए एक काम उन्होंने किया वैदिक युग में, ईयर का प्रारंभ न्यू ईयर या कहाँ से प्रारंभ होगा, ऑटमनल इक्विनॉक्स से, शरद ऋतु से, वहाँ से। तो इक्विनॉक्स विषुवत से उसके लिए, लेकिन नक्षत्रों की गणना के लिए उन्होंने सोल्स्टिस किया, क्योंकि क्या होता है कि आप सोल्स्टिस से सन सूर्य जो है दोबारा रिटर्न यात्रा शुरू करता है, तो वहाँ पर आप एक जीरो बिंदु करके कैलकुलेट करना आसान होता है, इसलिए जो है इन्होंने विंटर सोल्स्टिस को सेलेक्ट किया स्टार्ट करने के लिए। जब विंटर सोल्स्टिस मृगशिरा में होता था तो वहाँ से लेकर नक्षत्रों की एक लिस्ट बनाई 28 नक्षत्रों का, तो वो फर्स्ट नक्षत्र वो ये हुआ है। तो वो जो स्टोरी है दक्ष प्रजापति और उनके 28 पुत्रियों की, वो एक्चुअली 28 नक्षत्रों का है। तो ये मृगशिरा में होता है 11,200 BC में, और ये मैंने और भी क्योंकि उसके बाद एक 1000 वर्षों का जो सत्र यज्ञ है जो नैमिषारण्य में हुआ, वो वस्तुतः भारतीय ज्योतिष का एक तरह का मैं कह सकता हूँ कि 1000 वर्षों तक कई जनरेशन ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करके हर एक पिंडों का नाम देना, फिर ये जो डेटा प्रोसेसिंग है उससे एक बहुत ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉमिकल बेस बना था वैदिक युग। और ये जो 1000 वर्षों का जो सत्र यज्ञ हुआ था नैमिषारण्य में, वो 11,200 या 11,000 to 10,000 BC के बीच में हुआ था।
तो इस तरीके से अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस को समराइज करें तो ये है, आप अगर 4500 तो ब्रह्मा, क्योंकि धनिष्ठा में समर सोल्स्टिस को होना, ये सब एस्ट्रोनॉमी, ये जो है आप प्रिसेशन के आधार पर कैलकुलेट करेंगे वही एग्जैक्ट देता। मैंने इन मिडल डे 15,000 टू 14,000 BC के आसपास हो रहता है। एक मैं इसको बाद में करूंगा क्योंकि ये एक कैसे हम दक्ष के समय में जो यज्ञ हुआ था जहां सती और वो जो उसके हम डेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये विषय। और जो प्रिसेशन का जो हजार एक एक हजार वर्षों में जो एक एक नक्षत्र जो बदलने का जो विश्वामित्र ने देखा था, पहले धनिष्ठा से श्रवण, फिर उसके बाद मृगशिरादि से हमने जब वैदिक युग में प्रारंभ किया ऋग्वेद के टाइम में, तो ये पहले मृगशिरादि, उसके बाद फिर हमारे पास रोहिणी लिस्ट है इसका आयतरेय ब्राह्मण में और सब में कि ये रोहिणी में शिफ्ट होने का बहुत से आख्यान है। फिर उसके बाद जो नक्षत्र सूक्त हैं अथर्ववेद में, कृतिका नक्षत्र से जो 28 नक्षत्रों की जो लिस्ट दी गई है उसकी डेटिंग 9200 BC उस समय हुआ था, तो उस समय उसको फाइनली रिकम्पाइल किया गया था अथर्ववेद को। फिर अभिजीत को एक्सक्लूड कर दिया गया इस 9000-8000 BC के आसपास। फिर फाइनली जो है हम लोगों ने जो अश्विनी नक्षत्र से 27 नक्षत्रों की जो लिस्ट बनाई उसको फाइनल किया गया था 7322 BC में, और वहाँ से हमने एक नई गणना भी प्रारंभ की। तो ये है, ये हमारे पास जो क्यों होता है, ये जैसे गोपत ब्राह्मण में कथमेशाम आग्रहणम अंतरितम भवति, तो ये ऑब्जर्वेशन है क्यों ये न्यू ईयर भी शिफ्ट होता है, क्यों चातुर्मास से शिफ्ट होते हैं। तो फिर उसका समाधान देते देवा हवई सहस्र संवत्सराय दीक्षिरे, उन्होंने 1000 वर्षों की दीक्षा ली, तो वो 1000 वर्षों में एक नक्षत्र का जो प्रिसेशन है उसका एक रफ नॉलेज था, लेकिन क्यों ऐसा होता है उसका पूरा उनका ले, लेकिन ये ज्ञान जरूर था कि 1000 वर्षों में जो है ये होता है, इसकी वजह से ये। तो इसलिए जो है जो इपोक ऑफ 7322 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय हमने अपना 27 नक्षत्रों की जो परंपरा प्रारंभ की, और ये सभी जो है, और उसका एक हम एस्ट्रोनॉमिकल जो मैंने आपने उसमें भी देखा 24 मई में कि ये यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एक राशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम, ये पहला कृतयुग 7th मन्वंतर कब हुआ उसका एक एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है। तो इस प्रकार ये मयासुर के मैंने इसके बारे में मैंने आपको बता दिया 78, उस समय युग जो है असुर ट्रेडिशन में 3000 वर्षों का एक युग था, फिर बाद में 3000 को 60 से मल्टीप्लाई करके 180,000 ईयर्स उन्होंने किया, हम लोगों ने क्या किया 1200 को 360 से मल्टीप्लाई करके 4,32,000 ईयर्स। तो ये एक तरीके से जो है ना 6777 BC ये एक प्रकार का मेजर टर्निंग पॉइंट है इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, जहाँ पर हम लोगों ने जुपिटर साइकिल को साथ लेने के बाद एक बहुत ही एक एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमी भारत में आ चुकी थी। तो इसलिए बहुत से और सिद्धांतों का उद्भव प्रारंभ हुआ उसके बाद से, और एक सप्तर्षि साइकिल उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। चूँकि मयासुर उन ज्ञान, हम हमेशा हर ज्ञान का सम्मान किया, तो मयासुर का भी सम्मान था, लेकिन ये असुर ट्रेडिशन था तो एक ब्रह्म सिद्धांत, एक उसी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट सूर्य सिद्धांत से लिए गए, लेकिन एक नया सिद्धांत उन्होंने किया तब जब जुपिटर सिंह राशि में था, वो है 6773 BC से। आज जो हम 60 ईयर्स का जो साइकिल हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्रह्म सिद्धांत का ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना में और टर्की वाला जो साइकिल्स हैं और पर्शिया के साइकिल्स हैं वो असुर अभी भी 6777 BC से स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं अगर हम 7th मन्वंतर का, क्योंकि उसी में ही सारे चेंज, उससे पहले सब 5 वर्ष और 20 वर्ष का युग था, तो इसका जैसे हम कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है 6777 BC से पहले 27 जो चतुर्युग हैं और एक जो कृतयुग है उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए 540 ईयर्स होते हैं, वो है 7322। तो यही कारण है कि क्यों अनिल नारायणन जब वो
जो जोडियक के जो कैलकुलेशंस की जो है उसमें वो उनको जो डेट मिलता है 7300 BC, उसका रीज़न ये है कि हमने पूरा जो डेटा रिवाइज किया इस इपोक से, क्योंकि हमने 27 नक्षत्रों का जो लिस्ट जो फाइनल किया उसका इपोक है 7322 BC। उसके बाद पहला कृतयुग 5 वर्ष का ही था, क्योंकि कृतयुग के अंत में सूर्य सिद्धांत लिखा गया। फिर उसके बाद 1200 वर्षों का त्रेता युग, 2400, ये ऐतिहासिक युग है। फिर उसके बाद 60 वर्षों का साइकिल भी, क्योंकि 12 वर्षों का अगर बृहस्पति चक्र है तो फिर हम उसका एक 60 ईयर्स का भी, इसलिए कि कई बार शनि और बृहस्पति दोनों का चक्र लेके 30-30 वर्षों का दो चक्र का 60 ईयर्स का भी एक युग है। तो वो पैतामह सिद्धांत में 6777 BC प्रभव पहला संवत्सर है। ब्रह्म सिद्धांत में 6773, एक और पैतामह सिद्धांत का वैष्णव ट्रेडिशन है, वो प्रभव स्टार्ट करते हैं जब जुपिटर धनिष्ठा नक्षत्र में होता है। तो हमको तीन मिले, आपका प्रभव साइकिल 60 ईयर्स का साइकिल प्रारंभ तब होगा जब जुपिटर एरीज में मेष राशि में होगा। इसी की बात आर्यभट्ट भी कहते हैं, ये ब्रह्म सिद्धांत है, और वही एरीज में होना ये सूर्य सिद्धांत के लिए भी है। लेकिन एक और वैष्णव ट्रेडिशन है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रभव तभी होगा, माघ शुक्ल समारंभे चंद्रास्को वासवार्क्षको जीवयुक्तो यदा स्याताम षष्ट्यब्दादिस तदा भवेत। और ये आप प्रभव संवत्सर का प्रारंभ जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के साथ जो है वो। और एक और एपिग्राफिक ट्रेडिशन भी है, तो ये 60 ईयर साइकिल के कई ट्रेडिशंस हैं भारत में। एक और सूर्य सिद्धांत में और हमारे जितना भी सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी, हमेशा जो अर्थ की ऑब्लिक्विटी है उसको 24 डिग्री ही उसमें दिया गया है। तो ये 24 डिग्री कब था, अगर आप इसको देख लीजिए 6778 BC से लेकर अगर आज अगर देखेंगे आप 23.3 से नीचे, हमने 24 ही क्यों लिया, क्योंकि महाभारत युग तक ये 24 ही था। तो ये भी एक तरह का आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस होता है कि भारत में 24 लेने का इसलिए नहीं था कि ये कैलकुलेट नहीं कर सकते थे उनके पास फ्रैक्शनल। और ये जो हमारा 360/15 जो इस श्लोक में दिया गया वो भी 24 डिग्री का। और एक और सूर्य सिद्धांत के जो 2 वर्जन्स की मैंने बताई, एक वो जिसमें 180,000 ईयर्स का युग बताया गया वो पंच सिद्धांतिका में जो सूर्य सिद्धांत दिया गया है, और दूसरा जो कि लाटदेव जो सूर्य सिद्धांत आज उपलब्ध हैं वो दैव ट्रेडिशन में सूर्य सिद्धांत के ही। इसीलिए जो है लाटदेव भी एक कंजंक्शन से कलयुग स्टार्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि युग क्या है, एक नया साइकिल है कैलेंडर में और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा उसके बाद कुछ होगा उसके बाद युग स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं था। युग केवल एक नया साइकिल था कैलेंडर में, बस आप अगर कैलेंडर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा, कृतयुग का अंत भी मिलेगा, त्रेता युग का प्रारंभ मिलेगा, त्रेता युग का अंत भी मिलेगा, द्वापर युग की आदि मिलेगी, जैसे कलयुग का आरंभ मिलता है। तो एक कैलेंडर के उसमें एक साइकिल है, तो हर एक सिद्धांत में थोड़ा सा बदल हो सकता है कब कलयुग प्रारंभ हो, क्योंकि 6778 BC के बाद बहुत सारे ट्रेडिशन बहुत सारे सिद्धांत इवॉल्व हो गए, उसमें भी बहुत अंतर नहीं होगा, 50-60 वर्षों का प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा। तो ये लाटदेव का सूर्य सिद्धांत है, उन्होंने एक कंजंक्शन देखा, क्योंकि सूर्य सिद्धांत के फॉलोअर्स के लिए युग का प्रारंभ जो है एक कंजंक्शन बहुत आवश्यक है, जबकि दूसरे साइकिल में जैसे पैतामह सिद्धांत है वो फॉलो करते हैं 2700 जो सप्तर्षि कैलेंडर है, कैसे बीच में से स्टार्ट नहीं हो सकता था, जब तक 100 ईयर्स कंप्लीट नहीं होंगे आपका कैलेंडर स्टार्ट नहीं हो सकता नया साइकिल। यही कारण है कि कश्मीर में सप्तर्षि कैलेंडर फॉलो कर रहे थे, उन्होंने 3101 से प्रारंभ नहीं किया अपना लौकिक संवत, उन्होंने किया 3076, क्यों, क्योंकि जब 100 ईयर्स कंप्लीट हुए तो तब वो नए चक्र में नए कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया, आप बीच में नहीं कर सकते थे। तो ये अंतर हो जाता है एक एक जो सिद्धांत के ट्रेडिशन। एक और है 2 पोल स्टार्स का जो रेफरेंस है, ये तभी संभव है, दो ही है, एक जो नॉर्थ पोल स्टार जो थुबन जो ड्रैको कंस्टेलेशन के जो पुच्छ में उसको जो उसके जो पूंछ है उसके अंदर ये जो थुबन है
उसको ही ध्रुव नक्षत्र कहा गया है। उसका टोटल पुराणों में बहुत अच्छा इसका रेफरेंस है, और वो था 3900 BC से 1800 BC। 1800 BC के बाद थुबन पोल स्टार था ही नहीं। अगर था ही नहीं तो कैसे पता चला? अगर सूर्य सिद्धांत 300 AD में लिखा तो उनको कैसे पता था कि वो थुबन जो है वो था? और दूसरा साउथ पोल स्टार, क्योंकि दोनों एक साथ थे। ऐसा सिचुएशन दो ही बार, एक 12000 एक ही ऐतिहासिक दृष्टि से जैसे 3000 to 2000 BC के बीच में ही ऐसा समय था जहां दोनों साउथ पोल स्टार भी था, नॉर्थ पोल स्टार था। उसके बाद कोई या उससे पहले कोई ऐसा एस्ट्रोनॉमिकली संभव ही नहीं है। तो ये पर्सनली ऑब्जर्वेशंस के बाद लिखे हुए एविडेंसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई बैक कैलकुलेट करके लिखा। तो ये है दोनों का। और एक और जो प्रिसेशन को लेकर भी जो कल्पना भारत में है कि जैसे ट्रेपिडेशन है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में इनिशियली वो माना गया, उसका एक बहुत जो ये मैं आपको ये जस्ट मैं आपको ये डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सिंपल अश्विनी से रोहिणी, रोहिणी से ये एक तरह का ये पेंडुलम की तरह एक प्रिसेशन को उन्होंने इसकी कल्पना सिद्धांत ज्योतिष मिलते उससे पहले नहीं था, केवल कहा कि हजार वर्षों में एक बार हो जाता है। उस देवाह वही सहस्र संवत्सराय दिदीक्षिरे, तो वो एक सहस्र संवत्सर में एक नक्षत्र का बदल एक था, लेकिन उनके पास एक आइडिया नहीं थी कि ये प्रिसेशन काम कैसे करता है। लेकिन सूर्य सिद्धांत के बाद एक आपके पास पूरा डेटा था, उसके आधार पर आपने सोचा कि शायद ये जो है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपका एवरी 2000 ईयर्स में एक ल्यूनर मंथ आगे हो जाता है, जिसकी वजह से एक भ्रम ये हो जाता है कि जैसे कि दोबारा जो है, क्योंकि जब सूर्य सिद्धांत लिखा गया था तब अश्विनी नक्षत्र में विंटर सोल्स्टिस था, लेकिन 1st century BC में आते आते वर्नल इक्विनॉक्स होने लगा अश्विनी नक्षत्र में। तो आपको लगता है कि दोबारा जो है वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये ट्रेपिडेशन के लिए एक तरह का इल्यूजन था। तो ये है, पहले जैसे ऑटम्नल इक्विनॉक्स पहले अश्विनी में था, लेकिन जैसे जैसे 7300 BC आया तब विंटर सोल्स्टिस आया था, फिर वहाँ से 1st century BC में अश्विनी। तो ये है एक तरह का इल्यूजन है, ऐसा लगता है कि ट्रेपिडेशन है, लेकिन वस्तुतः ट्रेपिडेशन नहीं है, वो 360 डिग्री ही प्रिसेशन है। तो ये बाद में मुंजाल ने अपने ग्रंथ में 360 अयन चलन की ही बात की, उन्होंने ट्रेपिडेशन की बात नहीं की, क्योंकि 1st century BC के बाद अब अश्विनी आगे चलना चाहिए, लेकिन दोबारा रेवती की नक्षत्र की तरफ क्यों जा रहा है? वो रिवर्स होना था, नहीं हो पाया था, तब मुंजाल ने कहा कि नहीं ये रिवर्स नहीं हो रहा, इसलिए ये आयन चलन है 360 डिग्री वाला। तो ये है भारतीय दर्शन पूरी तरह वैदिक युग से लेके हम लोगों का, तो उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में है। हमेशा ये कहा जाता है कि यवन जातक कोई ग्रीक टेक्स्ट है जिसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। हाँ, एक ग्रीक टेक्स्ट है संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया, लेकिन वो खुद क्या कह रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं वो सूर्य सिद्धांत उनके लिए वहाँ से प्रेरित है। सूर्य प्रसादागत तत्वदृष्टिर् लोकानुभावाय वचोभिराद्य इदं बभाषे निरवद्य वाक्यो होरार्थशास्त्रम यवनेश्वरः प्राक्। वो सूर्य से ही प्रेरित होकर किया सूर्य सिद्धांत। अगर आप ये देखो, ये वृद्ध यवन जातक मीनराज भी एक यवन था, इंडो ग्रीक था, वो क्या कह रहे हैं? यदुक्तवान पूर्व मुनींस्तु शास्त्रम होरामय लक्ष्यमिदं मयाय। तो वो मयासुर की ही बात कर रहे हैं। तो सूर्य सिद्धांत भारत से पर्शिया, पर्शिया से फिर ग्रीस तक गया। तो वो है कैसे भारत विश्वगुरु था, वो ये है फुटप्रिंट्स। लेकिन आप जब सूर्य सिद्धांत की डेटिंग की आप गलत कर दोगे अपनी मूर्खता की वजह से, अपनी क्रोनोलॉजी भुलाने की वजह से, तो फिर जो हम आज जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, तो वो दुर्भाग्य है। और ये वेस्टर्न, ये जो हेलेनिस्टिक एस्ट्रोनॉमी का सबसे आदि जो सबसे ओल्डेस्ट जो चार्ट मिलता है उसके अंदर जो है कैंसर असेंडेंट है, तो कैंसर एट वर्नल इक्विनॉक्स, तो 6500 BC के आसपास जाता है। और एक और अबुल फजल जो उसी कंजंक्शंस की बात करते हैं जो कंजंक्शन सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ अस्मिन कृतयुगस्यांते, तो वो ये कहते हैं कि एक एक तरह का एस्ट्रोलॉजिकल इरा है, उसका इपोक जो है जब मेष राशि के प्रथम डिग्री में सारे ग्रहों का कंजंक्शन,
उसका जो ईयर दे देते हैं ये 1,80,000। इसका कारण ये मैंने कहा ना 1,80,000 ईयर्स ये है, जब 3,000 को 60 से मल्टीप्लाई करने, जैसे हम लोगों के यहाँ 1200 को 360 से मल्टीप्लाई करके 43,33,000 का जो युग बना है, उसी तरह के उनका हमको क्या करना है, 1,80,000 को 3,000 में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आपको उसका इपोक मिल जाएगा कि कब सूर्य सिद्धांत। तो वो सूर्य सिद्धांत का 6,778 BC वाला ही इपोक होता है। सो ये है। और दूसरा जो सूर्य की उपासना और जो नवरोज की परंपरा पश्चिम ये पर्शिया में होना, उसका भी सूर्य सिद्धांत ही प्रमुख है। और सूर्य सिद्धांत सूर्य उपासना, जब सूर्य से सूर्य पर आधारित तब ज्योतिष, तो सूर्य की उपासना करना, सूर्य की पूजा, तो वही मिथ्राइज्म में कन्वर्ट हुआ। जो पूरा रोम जिस मिथ्राइज्म को फॉलो करता था वो वस्तुतः सूर्य सिद्धांत का ही एक थियोलॉजिकल फॉर्म था। तो ये पर्शियन एस्ट्रोलॉजिकल इरा का भी एक है। तो इस तरीके से सिद्धांतिक एस्ट्रोनॉमी और ये आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी के आधार पर हम एक एब्सोल्यूट डेट हमको मिल जाता है और वहाँ से हम एक कैलेंडर का रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम सूर्य सिद्धांत का, जितने भी भारतीय सिद्धांत, उन सब के कैलेंडर का रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है परफेक्टली। और पहले का जो भी है वो प्री सिद्धांत के वेदांग ज्योतिष वाला है, वो हमारे पास 28 नक्षत्रों की परंपरा भी 11,200, उससे पहले हमारे पास नक्षत्रों की स्पष्ट कल्पना नहीं मिलती, क्योंकि ऋग्वेद में जब आप देखते हैं तो आपके पास 5-6 नक्षत्रों का ही वर्णन मिलता है, अथर्ववेद में आते आते पूरे 28 नक्षत्र का उसके अंदर है। ना मिलना इसका मतलब नहीं कि पता नहीं था, ये नहीं कह सकते, लेकिन जो एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री है, 28 नक्षत्र, 12 आदित्य 360 डिग्री वाला और 720 डिग्रीज की उल्लेख ऋग्वेद में दीर्घतमस के द्वारा लिखे गए ऋग्वेद के सूक्तों में है। फिर अश्विनी सूक्त हैं जो हमें शरद ऋतु में, वो ऑटम्नल इक्विनॉक्स में, इक्विनॉक्स अश्विनी नक्षत्र में होना, शरद ऋतु का अश्विनी नक्षत्र में होना, ये 13,500 BC। तो हमारा जो उन्नत कैलेंडर का जो इपोक चला जाता है आज से लगभग 15,500 वर्षों का भारतीय ज्योतिष का, क्योंकि जो ऋषि थे सप्तर्षि, उन्होंने भारत में एक ज्ञान परंपरा की एक बहुत सुदृढ़ नींव डाली थी उस समय। तो यही कारण है कि मेगस्थनीज, उसके जितने भी है, वो भारतीय जो पढ़े लिखे लोग हैं ब्राह्मणों कहते हैं कि इनका ऑब्सेशन है, हमेशा आकाश की तरफ घूरते रहते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमी उनका एक ऑब्सेशन है। तो वो ऑब्सेशन नहीं था, ज्ञान के प्रति एक लगन कह सकते हैं, या वो ज्ञान परंपरा इतनी सुदृढ़ थी कि आपकी जिज्ञासा जो है कभी शांत नहीं हो रही थी। तो भारतीय ये जो एस्ट्रोनॉमी है, और एस्ट्रोनॉमी में परफेक्ट होने के लिए क्या कि हमने गणित का बहुत अधिक उपयोग किया, क्योंकि आपके पास वो आधुनिक उपकरण तो नहीं थे, तो आपने गणित के माध्यम से इस ऑब्जर्वेशंस में परफेक्शन कैसे लाए, तो आपने मैथमेटिकल सिमुलेशन करना प्रारंभ किया। उससे हमने एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को इवोल्व किया। ये हमारी पूरी ज्ञान परंपरा का एक है। तो फिर सारे सिद्धांतों की भी डेटिंग कर सकते हैं इसके आधार पर, जैसे मयासुर का सूर्य सिद्धांत हो गया, उसके बाद ब्रह्म सिद्धांत, फिर उसके बाद आपको वशिष्ठ सिद्धांत त्रेता युग का डेटिंग मिलता है। वशिष्ठ सिद्धांत को ही पढ़ लीजिए, उनका एक एग्जैक्ट, उसको अगर आप क्लियरली जो मैंने कहा युग साइकिल का जो डेटिंग है वैसे करेंगे तो आ जाएगा। फिर रोमक सिद्धांत, और ये रोमक कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगता कि रोम से है, रोम सिटी तो आप उसका डेट भी है, उसका रोम का इरा, ये जीसस से 750 वर्ष पहले, लेकिन रोमक रोमास के बारे में महाभारत में भी उल्लेख है, और जो राजस्थान में जो सांभर लेख है और वहाँ से जो लवण मिलता है उसको रोमक लवण कहते हैं। रोमक लवण सुश्रुत संहिता में, भारतीय आयुर्वेद में उस रोमक लवण का बहुत है। तो रोमक भारतीय थे जो यहाँ से रोमा, जितने भी जिप्सी कहते हैं भारत से जो माइग्रेट होके इजिप्ट से यूरोप में गए, आज भी जिप्सीज जो हैं वो रोमाज हैं जो रोमक सिद्धांत को उधर लेके गए। और पोलिश सिद्धांत तो है ही, और यवन सिद्धांत वो स्पष्ट रूप से क्लेम करते वो इवोल्व ग्रीक, एंटायर एस्ट्रोनॉमी इज बेस्ड ऑन सूर्य सिद्धांत। पैतामह सिद्धांत भी, और उसके बाद पाराशर सिद्धांत, महार्य आर्यभटीयम,
ये है। फिर ये कैलेंडर हैं आप जो सप्तर्षि कैलेंडर, क्योंकि युधिष्ठिर जब शासन कर रहे थे तब सप्तर्षि मघा नक्षत्र में था, ये बहुत बार रेफरेंस हुआ, तो वो मघा नक्षत्र में होना वही है 3177 to 3077 BC, ये 100 वर्ष का समय था, इसी समय ही महाभारत हुआ था। ये कंटिन्यूटी, और ये कंटिन्यूटी हमारे पूरे राजतरंगिणी में भी आपको मिल जाएगा, और वो आज भी शायद अपने कश्मीरी जो है परंपरा से वो सप्तर्षि कैलेंडर को रिफ़र करते हैं। तो ये कैलेंडर से महाभारत काल के बाद एक वर्नल इक्विनोक्स बेस कैलेंडर, पहले बैसाखी जो अब बैसाखी है, क्योंकि 2000 BC के आसपास बैसाखी वैशाख नक्षत्र में वर्नल इक्विनोक्स था, फिर उसके बाद एक कार्तिक आदि चंद, क्योंकि हमारे वैदिक युग से ही शरद ऋतु वाला कैलेंडर था, तो वो परंपरा है कार्तिक आदि परंपरा। ये है वस्तुतः जो भारतीय कैलेंडर का जो इतिहास और जो और जितने भी आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस हमारे ग्रंथों में हैं उसके आधार पर आप भारतीय कैलेंडर को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोक प्रचलन है उसकी एक अटूट परंपरा होती। आपको कुछ राजवंशावली कहीं तक मिले, उसके बाद उसका पतन हो गया, फिर दूसरा या एक गैप्स आ सकते हैं, लेकिन जो लोगों का जो जो निरंतर जो ये कैलेंडर का प्रयोग है उसमें कहीं पर भी आपके पास एक ऐसा ना हो कि जिस समय हमने कैलेंडर यूज़ किया हम उसको, तो इसके आधार पर हम सूर्य सिद्धांत और उससे प्री सूर्य सिद्धांत, प्री सिद्धांतिक और पोस्ट सिद्धांतिक कैलेंडर का रिकंस्ट्रक्ट एक्यूरेटली साइंटिफिकली और क्रोनोलॉजिकली कर सकते हैं। उससे भारतीय सभ्यता की एंटिक्विटी, हमारी प्राचीनता क्या है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से आ गया था, और सारे ग्रंथों में जितने एस्ट्रोनॉमिकल अब्द उसकी डेटिंग हम बहुत ही वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं, और ये हमारी प्राचीनता है लगभग 14,500 BC तो आज से 16,500 वर्षों का भारत का एक भव्य इतिहास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सूर्य सिद्धांत और उनके कई सारे पहलुओं को लेकर के आपने अपने शोध, इतने गहन शोध आपने इतने वर्षों से करते आए, उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। हम तो कुछ विषय सोचेंगे सोचा था, परंतु इतिहास को लेकर के इतने सारे पहलुओं के विषय में सोचना और उसके ऊपर शोध करना, उसके उपरांत ही ये सारे विषय स्पष्ट होते ही अभी हमें पता चला। यूट्यूब के माध्यम से ही कई सारे श्रोता भी उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को देखा है, सुना है, तो इस अंतिम, इस कार्यक्रम के अंतिम में धन्यवाद सत्र के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होगा। तो मैं सबसे प्रथम इस कार्यक्रम में हमारे बीच में नेपाल से उपस्थित होकर के श्री समिता शास्त्री जी श्रद्धे अर्जुन वास्तोला जी उपस्थित होकर के उन्होंने आशीर्वचन प्रदान किया है, एतदर्थ उनका मैं अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और वैसे मुख्य वक्ता जी, हमने अभी तक उनको सुना है, उनका शोध कार्य को परखा है, देखा है, तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय निकाल करके हमारे लिए अपना पूरा शोध कार्य प्रस्तुत किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में प्रवण श्रीवास्तव जी मुख्य संरक्षक एटर्नल हिंदू से भी पधारे हैं, तो आपका भी अत्यंत आभार। और इस कार्यक्रम को शुरुआत से ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना और वेदवीर जी से हमें परिचय करवाना, यहाँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए संजय शर्मा जी का बहुत योगदान रहा है, जो एटर्नल हिंदू के कन्वीनर के रूप में कार्यरत है, तो आपका अत्यंत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं हम। और इस प्रकार के कार्यक्रमों के एजेंसी में निरंतर बनाए रखने के लिए हमारे विभाग की ओर से विभाग के विभाग अध्यक्ष आर्यभूषण शुक्ला जी का प्रेरणा हमें निरंतर मिलता रहता है, जिसकी वजह से हम इसको निर्विघ्न रूप से हम चला पा रहे हैं, एतदर्थ हमारे विभाग अध्यक्ष का भी मैं अत्यंत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने में हमारे विभाग के अनेक सहयोगी सभी ने अपने अपने योगदान प्रकट किया है, और हमारे विभाग के अलावा अन्य विभाग जैसे मीडिया सेंटर है, इस कार्यक्रम का साक्षात हम यूट्यूब के जो स्ट्रीमिंग हुआ है इसमें उनका काफ़ी सारा सहयोग रहा है, और अन्य विभाग जैसे SNDS है, हमारे हर प्रकार की सुविधा उन्होंने प्रोवाइड करवाया, एतदर्थ उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और एटर्नल हिंदू के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री श्री अन्विता चौधरी जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और उसी प्रकार उनके साथ ही
प्रोफेसर प्रकाश शास्त्री जी है जो कन्वीनर और इतिहास प्रकल के रूप में हैं, उनका भी मैं अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के अंतिम तक आप उपस्थित होकर के तन्मयता के साथ इसका आपने सुना है, एतदर्थ जितने भी प्रेक्षक यहाँ सभागार में उपस्थित है और YouTube पे भी जिन्होंने इसका कार्यक्रम में भाग लिया है, इन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम को शांति पाठ के साथ समाप्त करते हैं। कार्यक्रम के उपरांत यहाँ हाईटी का प्रबंधन किया गया है, सभी लोग अपना हाईटी लेकर के प्रस्थान करें, ये निवेदन है। शांति मंत्र। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ॐ संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या यलस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभरा संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहासति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।